हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास ट्वेल्थ का अगला वन शॉट जिसका नाम है समाकलन ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है समाकलन जो आप लोग खुद जानते हो कि कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो हमारे पास समाकलन है ठीक है क्योंकि इस चैप्टर की अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर से शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएगा मीडियम वाला जो क्वेश्चन होता है तीन या चार नंबर वाला वो भी आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा नंबर या पांच नंबर या सात नंबर जितना का भी आपके बोर्ड में सबसे लंबा क्वेश्चन रहता होगा उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक से कम से कम दो दो क्वेश्चन होंगे दो शॉर्ट के होंगे दो मीडियम के होंगे दो लॉन्ग के होंगे तो कंफर्म है ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मजेदार चैप्टर है इसका आज हम लोग वन शॉट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर लेंदी है बहुत सेवन पॉइंट सेवन तक हम लोगों को जाना सेवन पॉइंट सिक्स फोर सिक्स सेवन हाँ लगभग सात आठ एक्सरसाइज हैं अपने पास जितनी भी एक्सरसाइजे हैं ये मतलब अगर अनिश्चित समाकलन की बात कर लें तो इसी में से आ, हमारे पास सिक्स एक्सरसाइजेस हैं तो काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे जितने नए टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकते हैं वो सारे सीखेंगे और प्रॉपर इसको रिवीजन करेंगे ठीक है तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं सभी लोग साथ में बने रहना पूरा लेक्चर देखते हैं कौन पूरा लेक्चर एक साथ पूरा कंप्लीट करेगा क्योंकि हमने इसको टू पार्ट में कर लिया दो पार्ट में कर लिया है पहला पार्ट हमने जो है वो अनिश्चित समाकलन का रखा है ताकि तीन साढ़े तीन घंटे में यह अनिश्चित समाकलन खत्म होगा और वो भी निश्चित समाकलन भी तीन साढ़े तीन घंटे ले लेता ऐसे बहुत लेंदी हो जाता है पाँच छः घंटे का वन शॉर्ट हो जाता इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है ताकि आप आसानी से एक ही बार में पूरा कवर कर सकें छः घंटे बैठना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में दिक्कत होगी फिर माइंड सेचुरेट होने लगेगा चीजें अंदर जाएंगी ही नहीं तो इस वजह से ही मैंने आपको इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि सभी लोग आराम से दोनों पार्ट कन्वर्ट अपना एक एक करके आप कवर कर सको ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिश्चित समाकलन के बारे में कि अनिश्चित समाकलन हमारे पास जो स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस हैं उनकी हम पहले चर्चा करेंगे उन्हीं के बारे में हम पहले प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे ठीक फिर हम चलेंगे निश्चित समाकलन की ओर तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर को आ जाइए सभी लोग क्लास को एकदम बिल्कुल कंटिन्यूस देखेंगे और बहुत प्यारा वन शॉट डिजाइन है बहुत मेहनत लगी है इस वन शॉट को बनाने में बहुत मेहनत लग रही इसको बोर्ड पे लगाने के लिए क्वेश्चंस जो लगाते हैं आपके बोर्ड पे तो इस पर काफी सारा टाइम जाता है काफी सारी इस पर पीछे मेहनत लगी होती है तो आपको प्रॉपर इसका रिविजन करना है सभी को प्रॉपर इसको देखना है और मुझे बाद में बताना है कि कैसे लग रहे हैं आपको वन शॉट वैसे आप चार पांच वन शॉट देख चुके हो मैंने वहां पर सभी के कमेंट्स भी पढ़े हैं मैक्सिमम सभी के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जब भी क्लास के बाद आप लोग कमेंट करते हो तो क्लास के बाद जब क्लास एंड हो जाती है तब जरूर कमेंट करके बताओ क्योंकि उस आइडिया लग जाता है कि ये बच्चे बाद तक देख रहे थे जो बीच में आए गए वो तो चले गए लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो स्टार्टिंग से आखिरी तक बने रहते हैं या फिर आखिरी तक उन्होंने पूरा कवर किया है जब भी कवर किया है तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये बच्चे अपना कवर कर रहे हैं अपने नाम जरूर लिखकर वहां पे हमें बताया करें ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में भी हमें फार्मूलों की बात करनी है मैंने ये फार्मूले कुछ लिख रखे हैं पहले स्टार्टिंग के कुछ फार्मूले मैंने रख रखे हैं जो अभी हम यूज करने वाले हैं फिलहाल की एक्सरसाइजेज में तो उनकी अगर हम बात करें ये फार्मूले सब एक पेज पे है तो सभी को फार्मूले तो लर्न ही होने चाहिए ये बात तो एक दिमाग में डाल लो कि सारे लोग इंटीग्रेशन के जो भी फार्मूले हैं क्योंकि विदाउट फार्मूले मांगे के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो सारे ये फार्मूले जो मैंने रख रखे हैं एक्सी पावर एन डी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स त्रिकोण मिति के या प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन के या फिर हमारे पास ये टेन एक्स का है कॉट एक्स का सेक एक्स का कॉसेक एक्स का इनका डायरेक्टली जहां पे यूज कर सकते हैं वो सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम चल रहे हैं सीधे क्वेश्चन की ओर एस जो प्रश्नावली है सेवन पॉइंट वन से स्टार्ट करेंगे एक एक प्रश्नावली के विभिन्न क्वेश्चन लगाते हुए हम इसका रिविजन करने वाले हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक सिंपल क्वेश्चन लेकर ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हमने लिए नहीं है आसान आसान क्वेश्चन बहुत है

एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अगर डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे औकलन कर रहे होते तो हमारे पास भाग नियम होता था हम अंश बटे हर रूल लगा के कुछ अवकलन कर लेते थे आराम से वो हो जाता था यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है तो यहां पर क्या देखना होगा यहां पर अगर देखें तो ऊपर से कुछ फैक्टर हो रहे हैं क्या कुछ गुणनखंड हो रहे हैं तो इससे हम अगर देखें तो इससे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं देखो मैं स्टार्ट करता हूं एक्स लगाए कोई दिक्कत नहीं ऊपर हमने अंश से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें इन दोनों से तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन और नीचे हमारे पास क्या है नीचे हमारे पास है एक्स माइनस वन ये हो गया डीएक्स अभी x माइनस वन है x माइनस वन है दोनों से x माइनस वन कॉमन आ जाएगा निकाल लो कॉमन बाहर क्या बचा एक्स पे वन ले लो बाहर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन और डी एक्स अब देखो एक्स माइनस वन से वन उड़ गया, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन और इधर आ गया डीएक्स एक्स स्क्का ओकलन एक्स पावर एन से की पावर एन का ओकलन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली लिख रहा हूं एक्स क्यूब अपॉन थ्री वन का ओकलन एक्स और प्लस सी सी लगाते रहना साथ में तो ये हमारे पास क्या हो गया इस बात का पहले क्वेश्चन का आंसर ठीक है क्लियर सभी को चले थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करेंगे ताकि काफी चीजें करानी सारी चीजें हमारी कवर हो सके आशांता बस ऊपर फैक्टर के क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया दूसरा क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में देखो तो इसमें एक्स क्यूब है ये थ्री एक्स है प्लस फोर है कुछ भी गुणनखंड तो नहीं हो रहे ऐसे तो गुणनखंड नहीं हो पाएंगे लेकिन यहां पर नीचे रूट एक्स है क्या हम रूट एक्स को अलग अलग सभी में डिवाइड कर सकते हैं यहां पर तो एक्स माइनस वन था अलग अलग, अलग डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इंटीग्रेशन में रखते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं ठीक प्लस यहां पे आ जाओ थ्री एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, करेंगे, तो एक्स की पावर वन बाई टू रूट एक्स को हमने एक्स की पावर वन बाई टू लिख लिया सभी के डिवाइड में नीचे अलग अलग ले ले रहे हैं फोर को ले लो नीचे फोर अपॉन x की पावर वन बाई टू ठीक ये हो गया हमारे पास dx. अब प्रत्येक का अलग अलग समाकलन करना होगा इसको ऐसा करो पहले ऊपर ले जाओ तो यहां से हो गया x की पावर जाएगा, तो थ्री माइनस वन बाई टू प्लस थ्री एक्स की पावर वन माइनस वन बाई टू प्लस फोर यहां से आ जाएगा x की पावर माइनस का वन बाई टू ये हमारे पास हो गया dx. अब कर दो सभी का समाकलन यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा पहले अभी और सॉल्व हो जाएगा ये ले लो तीन की पावर पांच बटे दो प्लस यहां से हो जाएगा की पावर वन बाई टू प्लस फोर की पावर माइनस का वन बाई टू डी एक्स सभी का अलग अलग समाकलन कर दो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन ठीक ये आ जाएगा थ्री यहां से हो जाएगा x की पावर 1/2 1 अपॉन 1/2 1 x की पावर n 1 अपॉन n 1 ठीक ये फोर कांस्टेंट है बाहर रहेगा x की पावर -1/2 का हो जाएगा -1/2 1 अपॉन -1/2 1 और साथ में c सॉल्व कर लेना भाई से सॉल्व कर लोगे इसे कि मैं सॉल्व कर, दू? कर दूं कर दूं भाई इसका यहां पे लिख देता हूं इस साइड ये हो जाएगा x की पावर ये कितना हो जाएगा यहां से ये हमारे पास हो जाएगा दो एकम दो पाँच दो सात बटे दो नीचे जो ऊपर बनेगा वही नीचे बन जाएगा नीचे भी सात बटे दो प्लस ये थ्री कांस्टेंट है इसको ऐसे रहने दो एक्स की पावर हो जाएगा हमारे पास कितना दो एकम दो तीन बटे दो नीचे भी आ जाएगा तीन बटे दो प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस कितना हो जाएगा वन से कट करेंगे तो एक बटे दो बचेगा नीचे भी क्या आ जाएगा एक बटे दो और प्लस का सी इसको बाई सॉल्व कर लेने आवागे आंसर आ गया ठीक क्योंकि सात बटे डो है ऊपर ले जाना तो ये दो ऊपर चला जाएगा यहाँ भी दो ऊपर चला जाएगा यहाँ भी दो ऊपर चला जाएगा आगे आराम से सॉल्व कर लेना ऐसे क्वेश्चन को हमें हल करना है जो भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखोगे उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया अब त्रिकोण मिति से क्वेश्चन है अभी तो सिंपल एलज्र था अब हमारे पास त्रिकोण मिति अगर देखो तो सेक स्क्वायर एक्स और कॉसिक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है स्क्वायर एक्स का और कौशक स्क्वायर अपॉन में लिखा ऐसे कुछ तो बन नहीं रहा जब भी ऐसे हमें क्वेश्चन मिले त्रिकोण मिति में कोशिश किया करो कि साइन कॉस में बदलो साइन कॉस्ट में अक्सर बदलने से क्या होता है क्वेश्चन आपका हल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं से तो सेक को क क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉशेक को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ठीक ये हो गया डीएक्स ये इधर जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया नीचे हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और आ गया डीएक्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन सीधा लिख दोन तो का, का डायरेक्ट फार्मूला नहीं जो होता है, वो सेक के होता है। ये बात हम जानते हैं जानते हैं ना यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वन को उधर भेज देंगे तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन और dx. अब यहां से इसका अलग-अलग क्या अलग क्या करूं कर दूं। और 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 का 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 तो 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 ये 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 हो 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 जाएगा 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 होता है आ राइट आंसर ठीक है क्लियर तो ये याद रखना है कि हमें कब पर क्या रूप में बदलना है चलते अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर अगर देखोगे कह रहा है इंटीग्रेशन अलग, -अलग, अलग, अलग ले लो जैसे आप अलग अलग लोगे तो देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी माइनस इसके नीचे ले लो थ्री अपॉन थ्री साइन एक्स अपॉन थ्री साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस एक्स दोनों में अलग अलग हमने ले लिया डीएक्स हो गया टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एक्स आसान हो जाएगा भाई ये हो जाएगा इसको क्या करो एक अपन इस थ्री अप, इसको इस लिख देते हैं एक स्टेप लिख देते है। थ्री है रहे हैं थ्री तो कॉन्स्टेंट करो इसको लिख दो अपॉन कॉस एक्स लिख लो और एक अपॉन लिख लो हमने कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स और कॉश एक्स में तोड़ लिया कॉस को एक साइन के नीचे कर दिया एक कॉस वन अपॉन कॉस कर दिया क्योंकि साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन और वन अपॉन कॉस बन जाएगा सेक ये हमारे पास इंटीग्रेशन में फार्मूले बन जाएंगे का हमें पता ही है क्या होता है साथ में कर देंगे इंटीग्रेशन इसको ऐसे अभी लिख हो गया हमारे पास सेक एक्स और डी एक्स अब हमें पता है सेवा टू टेन एक्स माइनस थ्री टेन एक्स सेक एक्स का हमारे पास क्या होता है टेन एक्स सेक्स का होता है सेक एक्स तो ये हो जाएगा सेक एक्स और प्लस का सी ये हमारे पास आ गया राइट right आंसर ठीक पीछे हमने तो ये रखें। आप ये मैंने बताया है कि ये आपको याद होने चाहिए यही कांस्टेंट अब बाहर था आराम से आंसर आ गया टू टेन एक्स माइनस थ्री सेक एक्स प्लस का सी इज द राइट आंसर ठीक है बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं इसी प्रकार से हमें इन क्वेश्चन को हल करना है याद रखना है ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर पांच लिया आप कुछ थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन है जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो सिंपल है आराम से कि जैसे साइन के साथ यहां एम एक्स लिखा है जैसे ऐसा क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है जैसे के साथ एमएक्स लिखा है यहां, पे cos Nx लिखा, यहां पर Mx के साथ एक हमेशा कॉन्स्टेंट को लिखा होगा टू एक्स हो सकता है फाइव एक्स हो सकता है इलेवन एक्स हो सकता है कोई भी कॉन्स्टेंट रखा हो सिंपल सा टॉपिक है सिंपल सा पार्ट है कैसे करना है इसका इंट्रीग्रेशन अगर इसका हमें इंट्रीग्रेशन करना है साइन एम एक्स डी एक्स तो साइन के साथ जो भी कॉन्स्टेंट में रखा पहले साइन का कर दो साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स का जगह क्या हो जाए एक्स की जगह एम एक्स एमएक्स रख दो प्लस का सी और जो याद रखना कि इसके साथ जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है वो बस नीचे आ जाएगा बस और कुछ नहीं जो जैसे यहां पर एम हमारे पास कॉन्स्टेंट है एम नीचे आ गया यहां पर एन होता है एन नीचे आ जाता पांच होता पांच आ जाता दो होता दो नीचे आ जाता तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का फिक्स पैटर्न है जैसे प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करोगे कि इसे एमएक्स को टीम मानोगे वो आगे हम सीखेंगे वैसे ही आपको सिंपल याद रखना है क्यों हम इसमें क्या करें कि एम एक्स को इसको टीम माने फिर एम नीचे लाए वो सब काम नहीं करो आप डायरेक्टली यूज करोगे इसको जब भी साइन एमएक्स कॉस एनएक्स साइन टेन एक्स साइन थ्री एक्स कुछ भी है तो आप थ्री नीचे रख दो बाकी इंटीग्रेशन जैसे चलता है वैसे कर दो माइनस साइन का हो गया कॉस और एक्स की जगह हमारे पास नीचे आ गया प्लस का सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन कुछ एक्स्ट्रा सा और कुछ लिखा हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन में मैं क्या ध्यान देन देना है जब भी प्रतिस्थापन विधि पर जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या ध्यान देना है क्वेश्चन आपको देखोगे एक बार तो आप इसमें देखो कि जिस किसी का क्या किसी का डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो टू एक्स आएगा वो इसी क्वेश्चन में मौजूद है तो बस हमें यही चीज कि कहां कि कहा तो करना है दिख रहा है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो डिफरेंशिएशन है वो टू एक्स यहाँ पे मौजूद है तो बस एक काम करो यहां पर लिखो माना क्या माना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी जैसे आप मानोगे, इसका बस रख दो कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर क्या हो जाएगा टू एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी रख देंगे साइन तो साइन ही रहेगा एक्स स्क्स वन को टी माना है तो साइन टी और ये आ जाएगा हमारे पास डी टी तो साइन टी क्या हो गया डी टी साइन टी का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन टी का हो गया माइनस कॉस टी और प्लस का सी और टी की जगह वैल्यू रख दो टी जिसको माना था टी क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस वन तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का सी इज द राइट आंसर बस आराम से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा बस हमें यही देखना है इन क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि का जो भी क्वेश्चन होगा कि क्या किसी का डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में अवेलेबल है अगर वो हमें मिल रहा है तो उसी को मान के आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन आपका आगे आपको जाके सॉल्व हो जाएगा ठीक है देखो जिसको ये चीजें आती है आसान लग रही है तो साथ साथ वो कॉपी पेन लेकर करता रहे जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वो पहले क्वेश्चन को समझ ले उसके बाद उसको सॉल्व करें ठीक है तो साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ लगाते रहो मेरे जब साथ साथ आप लगाते रहोगे तो क्वेश्चन रिवाइज होता चला जाएगा और आपको जहां भी फंसोगे वो आपको आइडिया लग जाएगा चले आगे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करते हैं प्रतिस्थापन विधि पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे काफी क्वेश्चन बनने के चांस है जैसे कि यह क्वेश्चन बारह नंबर अब यह क्वेश्चन थोड़ा देखना मजेदार क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि हम क्या माने कुछ आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या मान लिया जाए जिससे ये आराम से बन जाए जैसे एक्स क्यू माइनस वन की पावर वन बाई थ्री है ये एक्स की पावर फाइव है हमें क्या करना है हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है सीधी बात समझो हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे dx लगा दिया हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या माना जाए सर एक काम करो आप यहां पे एक्स क्यूब माइनस वन को आप क्या करो सिंपल आप यहां पे एक काम करो कि आप मानो जो ब्रैकेट में लिखा है बस उसको मानो अभी देखना एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू आप जैसे ही t मानोगे उससे क्या होगा ये हो जाएगा सर थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी ठीक है एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस वन की जगह तो हम रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं X की पावर फाइव को एक काम कर सकते हैं पर एक काम करो इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको मिलकर पांच बन जाएगा और एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह रख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट क्या रहा है एक्स क्यूब अब देखो इसकी जगह हम टी रख लेंगे एक्स स्क्वायर की जगह हमें पता है कि एक्स स्क्त रख लेंगे हो गया क्वेश्चन क्या करोगे अब यहां पर यह क्या गया ये तो हो गया सीधा टी की पावर वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह सीधा हो जाएगा डी टी बाई थ्री एक्स क्यूब की जगह क्या रख दोगे यहां से माइनस वन इधर ले जाओ तो ये हो गया टी प्लस वन ये सीधा हो गया हमारे पास डी टी बाई

चार बटे तीन ये भी आ जाएगा चार बटे तीन ठीक तीन ऊपर जाएगा सीधे प्लस टी की पावर चार बटे तीन नीचे में चार रहेगा और यहाँ पे प्लस का सी ही रहा है थ्री तो कैंसिल हो गया अब टी की जगह वैल्यू रख दो भाई क्या एक्स क्यूब माइनस वन रख दो एक्स क्यूब माइनस वन की पावर सात बटे तीन बटे सात प्लस एक्स क्यूब माइनस वन की पावर चार बटे तीन प्लस, प्लस बढ़िया क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है देखो हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिख रहा था कि, कि किसी का डिफरेंशिएशन यहां पे किसी में मौजूद है नहीं दिख रहा कभी कभी नहीं भी दिखेगा जैसे इन क्वेश्चंस में दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन यहां पर मौजूद है तो हमने लगा दिया आराम से लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिख रहा था कि मौजूद है लेकिन हमें एक छोटी सी ट्रिक

अपॉन लॉग एक्स दिया गया ये एक्स दिया गया अगर लॉग एक्स का हम डिफ्रेंसियन करते हैं तो वन अपॉन एक्स होता है वो हमें यहां से मिल जाएगा तो इस क्वेश्चन को तो देखते हैं हमें आइडिया लग रहा है कि लॉग एक्स को हमें टी मानना है तैसे ही हमें वन अपॉन एक्स मिल जाएगा तो मान लो ना क्या दिक्कत है हम यहां पे लिखते हैं हमें क्या करना है यहीं पर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन और ये लिख दिया मैंने डी एक्स ठीक स्टार्ट करते हैं सीधे लिखते हैं माना क्या माना लॉग एक्स बराबर टी आपने log x को जैसे ही t माना तो 1 x dx बराबर क्या हो गया dt रख दो 1 यहां से log x की जगह सीधा t रख दिया t की घात हो जाएगा m 1 x dx की जगह हो गया dt बस इतना ही तो है आसान हो गया कुछ था ही नहीं क्वेश्चन फिर तो यहां से हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन t की घात m है ऊपर ले जाओ t की घात m ये हमारे पास हो गया dt समाकलन कर दो भाई टी की घात माइनस एम का कर देंगे तो टी की घात माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस का सी टी की जगह वैल्यू रख दो क्या है लॉग एक्स है तो रख दो लॉग एक्स की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन में हो जाएगा माइनस वन प्लस एम और प्लस का सी बस यही आंसर है और तो कुछ है ही नहीं फर्जी था क्वेश्चन यार तो आसान था मैं लगा टफ है कुछ आराम से हो गया सीधे आराम से आप लॉग एक्स को जैसे ही टी मानोगे वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये डी टी, टी है वैसे ही डी टी हो जाएगा टी की पावर एम एम को ऊपर ले गए टी की घात माइनस एम आराम से हमने इस समाकलन कर दिया माइनस एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन आपका आंसर हो गया प्लस का सी लगाते रहना जहां भी लग रहा है आंसर हो गया ठीक है सिंपल था आराम से हो गया चले अगले क्वेश्चन पे ये हो गया चौदवा नंबर हमने उसी का एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज की चल रहे हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन पे उन्नीसवा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा देखो तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं इस पर और भी क्वेश्चन जैसे ई की पावर टू एक्स है मान लिया कि इसको टी मान तो ई की पावर एक्स हो जाएगा वन का तो यह जीरो सिंपल डीएक्स बराबर डी टी आ जाएगा क्या आपको ये कहीं दिख रहा है ई की पावर टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख लो नहीं दिख रहा ना यहां पे e की पावर टू एक्स माइनस वन है नहीं बनेगा तो डायरेक्टली ऐसे मानने से नहीं बनेगा एक सिंपल सी ट्रिक होती है इस प्रकार के को ट्रिक्व करने की जैसे क्वेश्चन दिया गया है है e की की पावर एक्स वन, e की पावर एक्स प्लस वन। तो आपको क्या काम करना है? एक काम करना है सबसे आसान काम ये करना है क्या करोगे आप आप e की पावर जो यहां पर लगी है जो यहां पर पावर है उसके विपरीत चिन्ह की प्लस है तो माइनस के तो e की पावर माइनस एक्स से आप क्या करो

ये ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन है कि कितना आसान हो जाए अब इसको मान लो आपने मान लिया ई की पावर एक्स सॉरी प्लस ई की पावर, तो e पावर, e पावर माइनस एक्स को आपने मान लो टी मान लिया तो क्या हो जाएगा ई e की पावर एक्स और यहां से हो जाएगा ई e की पावर एक्स का और इसका ई e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का दोबारा करोगे तो यहां से माइनस आ जाएगा और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी ठीक अब ये पूरा दिख रहा है अंश में इसकी जगह उठाकर डी टी रख दो नीचे हर में जो है उसकी जगह टी रख दो तो इंटीग्रेशन हो गया वन अपॉइंट टी और यहां से हो गया डी टी और वन अपॉन टी हमारे पास इंटीग्रेशन होता है किसका लॉक टी का तो लॉक टी हमारे पास हो गया लॉक टी और प्लस का सी टी की जगह वैल्यू रख दो टी की जगह पर माना था ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस का सी यही हमारे पास आंसर हो जाएगा आराम से बस इस प्रकार के स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन में आप जैसे ही करोगे चार लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा दूसरे तरीके में फंस गए तो करते रहोगे शाम तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर क्या किया मैंने e की पावर माइनस एक्स से हमने क्या किया ऊपर नीचे गुणा किया क्यों e की पावर माइनस एक्स से किया आप क्या करोगे जैसे यहाँ पर धन का है तो यहाँ पे ऋण यहाँ पर अगर ऋण होता है e की पावर माइनस टू एक्स होता तो आप e की पावर प्लस एक्स से गुणा करते क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे e की पावर माइनस टू एक्स माइनस वन ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस वन तो आप e की पावर एक्स से करोगे

One one इसी में और क्वेश्चन क्या होगा देखो ये चार फॉर्मेट है बेसिकली या 10X, या one one 10X, या होगा one one X, और या होगा और इंटीग्रेशन अगर पूछता है डीएक्स इंटीग्रेशन डीएक्स इंटीग्रेशन डीएक्स

ठीक है तो ये चार फॉर्मेट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप वही करेंगे जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर रहा हूं फिक्स पैटर्न है इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है कैसे करना है देखो इस क्वेश्चन को यहां पर हमें क्या करना है हमें तो इंटीग्रेशन ही करना है सिंपल इंटीग्रेशन डीएक्स करना है ठीक है करते हैं स्टार्ट कर रहे हैं आप क्या करो टेन एक्स को पहले साइन एक्स अपॉन कॉश में लिखो वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉश एक्स लो ल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन ऊपर cos x. Cos x ले जाओ तो ये हो गया cos x dx लगा लो भाई ये हो गया हमारे पास कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स यहां तक तो आ गए कोई दिक्कत नहीं अब एक काम करो दो से गुणा भाग कर लो वन अपॉन टू इसको लिख लिया 2 cos x अपॉन cos x minus sin x dx ठीक दो से गुणा भाग कर लिया क्यों दो से गुणा भाग किया क्योंकि इसको cos x plus cos x हमें लिखना है लिख लो इसको लिखा cos x और प्लस का cos x और नीचे हमारे पास क्या है cos x minus sin x काम बन गया क्या नहीं बना

जैसे यहां पर क्या था कॉसेक्स कॉसेक्स बना है यहां पर तो आप क्या करोगे Sinex जोड़ लोगे लोगे घटा भी बन सकता है कब जब आप कॉट एक्स लोगे यहां से जब कॉट लोगे तो कॉस बटे साइन में बदलोगे तो साइन ऊपर जाएगा तो साइन ऊपर जाएगा तो यहां पर साइन एक्स आएगा तो यहां टू साइन एक्स बनेगा फिर साइन एक्स प्लस साइन एक्स बनेगा फिर यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कॉशेक्स जोड़ोगे कॉश एक्स घटाओगे अगर कॉश एक्स कॉश एक्स बनना है तो साइन एक्स जोड़ना है साइन एक्स घटाना है अगर यहां पर तो यहां पर क्या है अभी कॉश एक्स है तो साइन एक्स जोड़ो साइन एक्स घटा लो आप एक काम कि बस आपका काम आसान हो जाएगा कॉश एक्स जोड़ में साइनेक्स घटाया प्लस साइनेक्स जोड़ दिया बटे में क्या हो गया हमारे पास cos x sin x. अब क्वेश्चन आसान हो अलग कर लोन लो हो जाएगा प्लस लिख दे क्या एक बार पेज है अपने पास पेज है लिख देते हैं भाई कंफ्यूज ना हो यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक वन अपॉन टू तो पूरे में ब्रैकेट लगा लेते हैं ठीक ये तो हो गया इसके साथ और प्लस इंटीग्रेशन डी लगा लो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये हमारे पास डी हो गया ब्रैकेट बंद ये वन हो गया तो वन अपॉन टू ब्रैकेट लगा लो ये हो गया वन डी यहां पर क्या करोगे एक बार लिख देता हूं पहले फिर मान लेंगे एक्स, अब देखो इसको मानोगे ये ये मिल जाएगा। एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स, हो गया डी एक्स ठीक यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं वन का हमारे पास हो जाएगा अब उधर ही चलते हैं लेक्स्ट पेज पे वन का तो हमारे पास एक्स हो जाएगा ठीक तो यहां से हो जाएगा वन बाई टू ब्रेकेट एक्स इसको मान लेते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको यहां पे मान लेते हैं माना क्या माना cos x minus sin x equal to t cos x minus sin x equal to t cos x का हो जाएगा sin x माइनस का माइनस sin x का हो जाएगा cos x और dx ब्रैकेट लगा लो dx dt ठीक माइनस कॉमन लेके उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस का dt ठीक है cos x sin x की जगह आप उठा के तुरंत cos x sin x dx की जगह उठा के dt रख दोगे माइनस का cos x sin x को आपने t मान ही लिया है बस आराम से क्वेश्चन आपका हल हो गया यहां पे क्या करते हैं अभी भी इसको सॉल्व नहीं करते इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं ये हो गया हमारे पास 1 dx प्लस का ये माइनस का dt अपॉन में क्या हो जाएगा t यही तो होगा हाँ इसकी जगह आ गया माइनस डी टी इसकी जगह आ गया टी ठीक है आराम से कोई दिक्कत नहीं अब हमारे पास समाकलन कर दो ये हमारे पास हो गया एक्स इसका कर दो तो माइनस लगा लो इधर माइनस ये आ गया आगे ये आ गया हमारे पास लॉग टी ठीक प्लस का सी समाकलन हो गया टी की जगह वैल्यू रख दो वन अपॉन टू एक्स माइनस की जगह वैल्यू क्या रखोगे क्या माना था कॉस एक्स माइनस साइन रख दो कॉस एक्स का साइन एक्स ठीक प्लस का सी आंसर हो गया बढ़िया क्वेश्चन था तो ये याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में ये फिक्स फॉर्मेट है आपको ऐसे ही करना है जो भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार के फॉर्मेट का कि वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स वन अपॉन वन माइनस कॉट एक्स वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स तो आपको पता है कि यहाँ साइन कॉस होगा वहाँ कॉस साइन होगा साइन ऊपर जाता तो यहाँ साइन एक्स आता तो कॉस एक्स जोड़ घटा लेते बस आगे आप वही भाग करोगे सिंपल वही प्रोसेस करोगे ये मैंने फॉर्मेट लिखा है याद रखोगे मतलब इधर रफ का काम है हटा दे क्या ये फॉर्मेट मैंने बताया ये फॉर्मेट है सिंपल याद रखना यार तुम लोग इसमें ना मिक्स कर देना ये अलग है ठीक है ये फॉर्मेट अलग है भाई ये ग्रीन से मैंने अलग से कर दिया इधर ठीक ये फॉर्मेट है ये अलग है इसको याद रखना कि ये फॉर्मेट है उसमें नहीं है ये क्वेश्चन अलग है ठीक है चले अगले क्वेश्चन पे बढ़िया क्वेश्चन था ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन है सारे मजेदार क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन लिए ही नहीं मैंने मैंने वो क्वेश्चन लिए जो आपका पूरा भला करेंगे ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखो ये देखने में बड़ा भारी भरकम सा लेकिन फर्जी सा क्वेश्चन भारी भरकम देखने में है देखो यहाँ पर देखो अगर इस ब्रैकेट की तरफ निकल जाए क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल पॉइंट पकड़ना है हमें कि टेन इनवर्स यहाँ पे देखो एक्स तो टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफ्रेंसिएशन हमें यही देखना है कि इसका डिफरेंसिएशन मौजूद है अगर एक्स की पावर फोर होगा तो वन अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर की घात फोर करेंगे तो एक्स की पावर एट हो जाएगा मतलब इसका यहाँ पे ये यह मौजूद है बस जो मौजूद है उसी को मानू क्या लिखोगे यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको पहले मैं कर दूँ इसका भला कर दूँ ये इंटीग्रेशन डी एक्समें वही करना है ये याद रखना चलते हैं सीधे स्टार्ट करते हैं हमने माना माना क्या माना ये माना कि टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर जो है कि t के बराबर ठीक कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं डिफरेंसिएशन किया है इसका अच्छा डिफरेंसिएशन भी है यहां पर देखो टेन इनवर्स e x x की पावर फोर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की स्क्वायर होता है एक्स की जगह एक्स की घात चार तो इसका स्क्वायर और की पावर फोर का दोबारा करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा फोर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी ठीक यही तो आएगा हाँ की पावर फोर का दोबारा करना पड़ेगा तो फोर एक्स की पावर फोर का करोगे तो फोर एक्स क्यूब आएगा हाँ ठीक है फोर एक्स क्यूब डी एक्स क्वल टू डी देखो ऊपर एक्स क्यूब भी है सब कुछ तो मिल गया यार तो ये आ गया पावर आठ डी टी बाई फोर ये फोर को मैंने इधर भेज दिया एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट एक तरफ रहने दिया क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे रख लेंगे काम अपनों का हो गया है पूरा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में रख दो सभी की वैल्यू एक्स क्यूब ये अच्छा एक्स क्यूब और वन प्लस एक्सपावर आठ dx की तो डी टी बाई फोर आ जाएगा साइन लिखो पहले साइन है भाई। इसके अंदर जो लिखा वो टी हो गया। नीचे DT by four आ जाएगा तो इंटू डी फोर बस वन बाई फोर बाहर ये बचा का का हो गया t और प्लस का सी माइनस का वन अपॉन फोर टी की जगह वैल्यू रख दो क्या वैल्यू ये कॉस है भाई टी। टी की की जगह जगह वैल्यू है? ये। की पावर फोर प्लस सी इज द राइट आंसर देखने में लग रहा था थोड़ा भारी भरकम लेकिन क्वेश्चन बेहद आसान है सभी को समझ में आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा सही चल रहा है ना ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ भी सर जल्दबाजी में चला चला जा रहा है ऐसा नहीं थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा सारा अच्छे क्वेश्चन है आराम से आप क्वेश्चन करते रहो साथ साथ रिवीजन है थोड़ा फास्ट चलना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सा है यार इस प्रश्न वाली तो काफ़ी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन लगा सकते हैं वही हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा ठीक है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है हजारों क्वेश्चन है वो खुद आपको पता है कोई भी बुक आप ले रहे हो चाहे किसी भी पब्लिकेशन से आप पढ़ रहे हो आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हो आप झारखंड बोर्ड में पढ़ते हो आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो छत्तीसगढ़ बोर्ड में पढ़ते हो राजस्थान बोर्ड है एमपी बोर्ड है झारखंड जा, बोर्ड है किसी भी बोर्ड से है आप एक्स वाई जैसे महाराष्ट्र बोर्ड कहीं भी है सभी बोर्ड्स में इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और जितने क्वेश्चन करने हैं वो कम है वो हर जगह काम आएगा ये हमारे ठीक है चलते हैं क्योंकि 45 नंबर का तो आ नहीं है कैलकुलस से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के अगला दे क्वेश्चन है। है में है। कह लिखा है ठीक है क्या लिखा है चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन लगा है डीएक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इस क्वेश्चन को करने के लिए अच्छा तरीका है अच्छा आप एक चीज और सोच सकते हो कि one upon square x को सर हम होने वाला इससे कोई भला नहीं होने वाला इससे कुछ नहीं होने वाला तो ये तो दिमाग में आने का मतलब ही नहीं है कोई फायदा नहीं आ सकता है लेकिन उस करके देख लेना चाहिए तो कोई बात नहीं छोड़ो लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर यहां ऊपर वन है नीचे साइन और कॉस है तो ऊपर वन की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हो साइन स्क्स प्लस का क्योंकि हमें पता है प्लस की वैल्यू क्या होती है वन के बराबर होती है बस यही छोटी सी ट्रिक है इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है यही समझाना चाह रहे थे कि जैसे ही आप ये करते हो आपका काम आसान हो जाता है मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया जो ऊपर यहाँ पे वन होगा इसके गुड़े में यहाँ पर इस वन की जगह पर मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया बस इसके रखने से हुआ ये आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। जैसे आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर हो, कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में यहाँ पर भी हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स काम आपका देखना कितना आसान हो जाए पहले मैं करता हूँ ब्रेकेट लगा लेता हूँ आगे अलग अलग कर दूंगा डी एक्स ठीक ये हो गया कोई दिक्कत नहीं अलग अलग मैंने कर दी इसके नीचे इसके नीचे, नीचे यहाँ से उड़ गया ये साइन से साइन उड़ गया ये कॉस से कॉस उड़ गया वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपान साइन हो जाएगा कॉसक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों फार्मूले देखो पीछे लिखे भी होंगे फर्स्ट पेज पे लिखाए थे मैंने ये जो जो होता 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 है है, है है, वो वो के के बराबर बराबर दोनों फार्मूले हैं, डायरेक्ट आप आराम से लिख सकते हो दोनों की जगह आप वैल्यू रख दो यहाँ पर अगर देखो स्कवायर तो एक्स हो गया हमारे पास टेन एक्स और कॉशेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी कहीं दिख रहा है ऑप्शन में टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी इज द राइट आंसर टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी का बी ऑप्शन तो बी वन इज द राइट ऑप्शन ठीक है अच्छा क्वेश्चन था बस यही छोटी सी ट्रिक थी क्वेश्चन सिंपल था छोटी सी ट्रिक यही थी कि वन की जगह में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉ स्क्वायर एक्स रखना था अलग अलग डिवाइड कर देना था क्वेश्चन हमारा बेहद सिंपल हो जाएगा एकदम आसानी से हम लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक बात क्लियर कोई डाउट कोई समस्या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताओ यहाँ तक बात क्लियर है सभी को उनतालीस नंबर हो गया हम लोगों ने सेवन पॉइंट थ्री जो हमारे पास है वो मैक्सिमम हम लोगों ने फिनिश कर लिए आगे क्वेश्चन है आठवां इसी का सेवन पॉइंट थ्री हाँ सेवन पॉइंट फोर का है शायद हाँ सेवन पॉइंट थ्री का है फोर फोर थ्री का है शायद हाँ थ्री का आठवां नंबर सेवन पॉइंट टू शायद हम लोगों ने फिनिश करी हाँ सेवन पॉइंट टू प्रति हम लोगों ने फिनिश की अब ये क्वेश्चन है वन माइनस कॉशक्स वन प्लस कॉश एक्स त्रिकोण मिति से क्वेश्चन है अब यहां पर क्या होता है यहां पर अब त्रिकोणमिति फार्मूलों का उपयोग शुरू होता है यहां से 7.3 में मैक्सिमम यही है कि त्रिकोणमिति फार्मूले हमें उपयोग में लाने हैं हमें पता है कि कॉस के साथ वन अगर लगाओ तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कॉस के साथ जब वन लगाओ तो वन को ख़त्म करो आपको फार्मूले हाफ एंगल के याद होने चाहिए कि वन माइनस जो कॉस थीटा होता है वो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है और वन प्लस कॉस थीटा जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है ये बात हमें याद होनी चाहिए ठीक वही कोई कॉटा के दोनों हाफ एंगल वाले फार्मूले हैं थीटा है टू कॉस स्क्वायर ठीटा बाई टू होता है वैल्यू रख दो यहाँ पर बस सीधे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन तो निकालना है हमें हमें क्या करना है हमें, हमें, हमें है। तो सर इंटीग्रेशन करना है इसका डी एक्स करो इंटीग्रेशन स्टार्ट अब यहाँ पे हो गया वन माइनस कॉश एक्स की जगह हम रख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस कॉश एक्स की जगह हो सकता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो टू से टू उड़ गया

तो यहां से हो जाएगा का आपको पता है क्या होता है ये हमारे पास हो जाएगा टेन एक्स तो टेन एक्स बाई टू वन बाई टू हमारे पास नीचे आ जाएगा ये आपकी बात पता है माइनस वन का हमारे पास हो जाएगा एक्स और प्लस का सी तो ये ऊपर चला जाएगा तो टू टेन एक्स बाई टू माइनस का एक्स प्लस का सी इज द आंसर ठीक क्योंकि मैंने बताया था कि यहां पर इसके साथ जब भी यहां से x बाई टू है जब भी हम जैसे साइन एम एक्स का कर रहे थे तो m जो गुणा में था तो m नीचे आ जाता था तो यहां पर गुणा में क्या है वन बाई टू तो वन बाई टू क्या होगा इसके नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो टू हो जाएगा तो टू टेन एक्स बाई टू माइनस यहाँ पे एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर ठीक है अच्छा क्वेश्चन था आप ये याद रखना जब भी कॉस के साथ वन दिखे आप यही काम करना कि आप वन कैंसिल करने की कोशिश करना हाफ एंगल का फार्मूला लगाना इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हमने ये लिया है इसमें भी देखो कॉस के साथ वन है यहां पे तो एक तरीका तो ये है कि हम इसके कॉस के साथ जो वन है इसको कैंसिल करें और आराम से हम इसको वो तरीके से सॉल्व करें एक दूसरा तरीका इसमें और भी लग सकता है एक तरीका वो है जब इसमें हम क्या करें यहां पर अगर हम देखें ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है ये क्वेश्चन आसान है, है देखो कैसे करना है इसमें आप साइन स्क्वायर एक्स ऊपर है नीचे वन प्लस आप क्या करो साइन स्क्वायर एक्स को यहां पर हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं. Dx. अब यहां पर क्या करो ये साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको हम वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये आसान क्वेश्चन है एकदम ये वन प्लस कॉस एक्स है ही नीचे अब आप एक चीज नोट करो तो वन कॉम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं और अपॉन में क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स और dx चल ही रहा है कोई दिक्कत नहीं वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स उड़ा बच्चे बचेगा केवल वन माइनस कॉस एक्स तो इसका कर दो समाकलन तो एक हो जाएगा वन डी एक्स माइनस कॉस एक्स का कर दो कॉस एक्स डीएक्स तो वन का हो गया एक्स कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स और प्लस का सी आंसर हो गया एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का सी इज द राइट आंसर आसान था क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कोई दिक्कत नहीं बस साइन स्क्वायर को आपको कॉस में चेंज करना था और कुछ नहीं काम करना था यहां जो सेवन पॉइंट थ्री में अब ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन से वहां पर हमें सिर्फ फार्मूलों का त्रिकोण मिति सर्व समिकाएं जो हमने पढ़ रखी हैं अलग अलग फार्मूले जो त्रिकोण मिति में पढ़ रखे हैं अभी तक उन्हीं के उपयोग पर आधार पर क्वेश्चन ये तो आसान था इससे कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं जैसे ये क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन में देखो ना तो वन प्लस साइन टू एक्स को टी मानने से ये मिलेगा ना इसको मानने से ये मिलेगा दोनों से नहीं मिलने वाला है लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या काम कर सकते हो आप देखो एक चीज आसानी से समझो अगर हम साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोले तो क्या आता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का टू साइन एक्स कॉस एक्स यही तो आएगा

प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि वन प्लस साइन टू एक्स जो है इसकी जगह ये हम लिख देंगे इसको खोलेंगे तो हमें यही मिल जाएगा बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब आप क्या करोगे अब इसको आप टी मान लो ये ऊपर वाला मिल जाएगा आप लिख दो यहां पे माना क्या माना कि साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बराबर टी तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी बराबर का डी ये पूरा तुम्हें ऐसे ही मिल गया डी उसकी जगह पूरा डी टी यहाँ से आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डी टी का टी स्क्वायर ये तो आएगा टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस टू डी टी ये हो जाएगा इसका हम समाकलन कर दें तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस का सी ये हमारे पास आ गया माइनस टी की पावर माइनस वन और प्लस का सी तो माइनस वन अपॉन टी टी की जगह वैल्यू रख देंगे और प्लस का सी तो माइनस वन अपॉन टी की जगह क्या रख दो वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस का एक्स प्लस का सी आंसर हो गया भाई आसान था क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि यहाँ पर हमें जो वन प्लस साइन टू एक्स है इसकी जगह पर हम साइन एक्स प्लस एक्स का लिख सकते हैं जैसे आप लिखोगे इसको मानने से, है। है, तो इस से हमें ये करने होते हैं एक और इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है जैसे कि ये क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें काफी तोड़फोड़ करनी है कैसी तोड़फोड़ जैसे यहां पर टेन क्यूब टू एक्स है ये सेट टू एक्स है ना इसको मानने से ये मिलेगा ना इसको मानने से ये मिलेगा कुछ नहीं होने वाला कर सकते हैं आप ट्राई कर सकते हैं कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक है आप क्या करो एक काम करो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं टेन क्यूब को हमने लिख लिया टेन स्क्वायर टू एक्स और टेन टू एक्स और सेट टू एक्स हमने केवल टेन क्यूब टू एक्स को एक स्क्वायर मतलब टेन टू एक्स एक अलग कर दिया एक स्क्वायर छोड़ दिया यहाँ पे तो टेन स्क्वायर टू एक्स टेन टू एक्स और सेट टू एक्स मिल गया

सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस का वन टेन टू एक्स और सेक टू एक्स अब कर दो तुम समाकलन इंटीग्रेशन डी एक्स अब हमें पता है अगर हम सेक टू एक्स को टी मानते हैं तो टेन टू एक्स सेक टू एक्स हमें डिटो वैसे ही मिल जाएगा आप क्या करो इस सेक स्क्वायर टू एक्स को सीधा टी मान लो यहां पे लिखो माना या सेक टू एक्स को मान लो केवल सेक टू एक्स बराबर हमने क्या किया टी मान लिया Sec 2x को आप मानोगे टू एक्स का, का दोबारा कर देंगे तो टू बाहर आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी तो यहां से हमें सेक एक्स सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स का हमारे पास सम ये मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बराबर डी टी बाई टू आप डायरेक्ट यहां पर अब सब चीजें पुट कर दो ये हमारे पास ये पूरा डी टी बाई टू में कन्वर्ट हो गया ये टी स्क्वायर माइनस वन हो गया ये हो गया टी स्क्वायर माइनस वन और ये आ गया डी टी बाई टू टू हमने बाहर ले लिया तो वन अपॉइंट टू टी स्क्वायर हो गया और माइनस का ये डी टी हो जाएगा यहां पर माइनस वन डी टी हो गया कर दो समाकलन भाई कर देते इधर वन अपॉइंट टू स्क्वायर का क्या हो गया टी स्क्वायर का हो गया टी प्लस वन मतलब टी क्यूब ठीक एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो थ्री प्लस मतलब टू प्लस वन ए बी थ्री आ जाएगा ठीक माइनस वन मतलब माइनस का टी प्लस का सी टी की जगह वैल्यू रख दो टी हमने क्या माना था सेक माना था कहाँ पे आक टू एक्स तो ये हो गया सेक क्यूब टू एक्स अपॉन थ्री माइनस सेक टू एक्स और प्लस का हमारे पास सी आंसर हो गया। बस इसी को तोड़ने से ही हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा ये हमारे पास डी टी बाई टू हो गया वो टी, हो गया।, टी, का टी बाई थ्री हो गया, वन का हमारे पास टी हो गया आप आराम से टी की जगह जो हमने माना था सेक टू एक्स सेक टू एक्स रख दो आंसर आ जाएगा वही आपका राइट आंसर है ठीक है समझ में आ गया सभी को यहां तक कोई समस्या तो नहीं आसान था क्वेश्चन बस लेकिन यही चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हमें यह सोचना है कि यह कैसे कन्वर्ट करें यह हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा बार बार हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाने से हमें यह दिमाग में आएगा कि कहां पर क्या तोड़ना है और फार्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो तो लर्न करने होंगे दिमाग में एकदम घुसे होने चाहिए सारे फार्मूले ठीक है चले आगे तो ये हमारे पास 7.3 में सेवन पॉइंट थ्री में जो क्वेश्चन त्रिकोण मित्र पर जो जोश्रमिकाएं होती हैं उनको किस प्रकार से उपयोग में लाके हम क्वेश्चंस को समाकलन के हल करते उनकी बात हम अभी तक कर रहे थे अब चलेंगे हम लोग जो कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन होता है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस टॉपिक से बनते हैं सेम ऐसे ही सेवन पॉइंट सेवन भी है वहां पर भी क्वेश्चंस के फार्मूले हैं ये फार्मूले हमने छह लिख रखे हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉइंट टू ए करके होता है ऐसे ही फॉर्मूले ये सब देखो बटे में है सारे और जब सेवन पॉइंट सेवन में जाओगे तो ये सारे ऊपर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए तो वो एक प्रकार से सेम ही है एक्सरसाइज एक प्रकार समझे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सेम है वहां पे 7.7 में वो उसकी बात तभी करेंगे जब स्टार्ट करेंगे अभी 7.4 की बात करते हैं यहां पर भी हम क्या करेंगे इन्हीं फार्मूले के उपयोग पर हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फार्मूले तो लर्न होने चाहिए उसके बगैर तो आगे चलेंगे थी। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर इसकी अगर बात करें जैसे मैंने उदाहरण नंबर आठ में दो पार्ट दिए गए एक बहुत सिंपल है एक में थोड़ा सा काम करना है पहले सिंपल वाला समझते हैं कैसे करना है जैसे ये डायरेक्ट फार्मूले का उपयोग पर है आपको पता है कि ये क्या लिखा है डीएक्स

x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस का सी ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस बात का आंसर डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन था इस प्रकार से फार्मूले पर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अब सेकेंड क्वेश्चन तुम देखो पहला क्वेश्चन तो आसान था हम लोगों ने कर लिया सेकेंड क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर है लेकिन इसको हम स्क्वायर नहीं बना पाएंगे ये स्क्वायर रूप में मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे नाइन होता तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस होगा पांच का स्क्वायर उनचास होगा सात का स्क्वायर ऐसे कुछ दे देगा तो आप आराम से लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे स्क्वायर नहीं लिख सकते तो आप क्या करोगे उस समय हमें उपयोग करना है पूर्ण वर्ग विधि क्या उपयोग करना है जब ऊट पटांग कुछ दिया जाए उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़े तो क्या होगा पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है इसमें दो बेसिकली पॉइंट है दो चीजें हैं दो चीजें याद रखनी पूर्ण वर्ग विधि आपको आ जाएगी अभी मैं क्वेश्चंस उस पे करूंगा तो आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे करना वो सब समझ में आ जाएगा पहली चीज इसमें यह है कि आप क्या करोगे स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसे वन बनाओगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को वन बनाओ मतलब कि वन बनाने का मतलब है कि प्लस का ही वन होना चाहिए जैसे यहां पर माइनस वन दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ में आगे दिख रहा है ना कि माइनस का वन है तो माइनस वन है तो इसको हमें पहले प्लस वन बनाना पड़ेगा अगर मान लो टू एक्स स्क्वायर है तो दो से भाग कर सकते हो या दो कॉमन ले सकते हो पांच है तो पांच कॉमन ले लो सिंपल सी बात है कि हमें एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होगा इसको हमें वन बनाना है पहली तो दूसरी चीज क्या है सेकेंड चीज इसमें यह है कि जो एक्स का गुणांक होगा एक्स के गुणांक का गुणांक के आधे का वर्ग आधे का वर्ग करके जोड़ना वा वर्ग करके वर्ग करके जोड़ना व घटाना है सेकेंड वाले का मतलब अभी समझ में आ जाएगा परेशान नहीं होना। अभी हम करेंगे उस पर तो समझ में आ जाएगा जोड़ना व घटाना है सेकेंड लाइन ये कहना चाह रहा है कि जो एक्स का गुणांक होगा जैसे यहां पर दो है तो इसका आधा दो का आधा क्या हो जाएगा वन तो दो के आधे से आधे का क्या करोगे दो का जो आधा आएगा जैसे यहां पे x का गुणांक दो था उसका आधा जो आया वन तो उसके वर्ग को वन का वर्ग जोड़ोगे और वन के वर्ग को घटाओगे इस प्रक्रिया से ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन समझते हैं कैसे यहां पे मान लो दो है यहां पे अगर पांच होता तो पांच बटे दो का वर्ग जोड़ते घटा देते सात है तो सात बटे दो वर्ग जोड़ते घटे क्योंकि उसका आधा करके हमें जोड़ना और घटाना है अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ये तो हमने लिख दे रहा हूं करना कैसे है देखो ये क्वेश्चन अगर दिया गया है डी एक्स बटे रूट के अंदर का यही तो है 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 क्वेश्चन आप क्या करो पहला काम X square का गुणांक हमें one बनाना यहाँ पे minus one है, तो 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 पहले common निकाल जो X के साथ है, कुछ extra उसको common निकाल भाई minus common निकाला तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसको आगे लिख लेते हैं ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्स इसको हम पीछे लिख देते हैं गुणांक वन हो गया ठीक अब दूसरी वाली प्रक्रिया पर चलो दूसरी प्रक्रिया क्या, क्या कहती है दूसरी प्रक्रिया ये कहती है रूट तो लगा ही लो माइनस लगा लो ब्रैकेट लगा लो एक्स स्क्वायर लिख लो दूसरी प्रक्रिया कहती है कि एक्स के साथ जो गुणांक है क्या है दो है दो का व, दो के आधा पहले उसका आधा करो गुणांक का आधा किया तो दो का आधा वन वन का वर्ग जोड़ दो वन का वर्ग घटा दो तो माइनस टू एकस रहने दो हमने वन का वर्ग जोड़ दिया प्लस का वन और और प्लस का माइनस का वन यहां पे घटा दिया मतलब वन को ही हमने घटा दिया सिंपल सी बात हमने वन को जोड़ा वन को घटा दिया थोड़ा बड़ा लिख देते यहाँ पर हमने क्या किया प्लस वन का वर्ग जोड़ा और वन के वर्ग को हमने घटा दिया इसी के आधे को एक बार जोड़ दो वर्ग करके एक बार घटा दो घटा दिया ब्रैकेट लगा दो अब देखो क्या हुआ इससे कमाल क्या हुआ इससे कमाल ये हुआ कि ये चीज जो लिखी है ये x माइनस वन का होल स्क्वायर बन गई पूरी वन स्क्वायर अलग छोड़ दो इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस लगा है, लगा रहने दो अंडर रूट ठीक अच्छा सा नहीं बनना है भाई अच्छा सा बनाओ कुछ बना ठीक माइनस हमने ये लिख लिया ये हमारे पास क्या बन गया ये बन गया सर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक कोई दिक्कत नहीं माइनस वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर रहने तो कोई दिक्कत नहीं माइनस अंदर गुणा कर दो तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से हो गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ये तो हो गया वन का स्क्वायर और ये माइनस हमारे पास पीछे चला गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये प्लस हो, तो हो गया इसको आगे लिख लिया माइनस हो गया इसको हमने पीछे लिख लिया अब फार्मूला बन गया तुम्हारा डी एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये फार्मूला है हमारे पास डीएक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी एकदम आसान सा फार्मूला भी है क्या साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिखा है एक्स माइनस वन अपॉन ए की जगह पर क्या लिखा है सी तो आंसर आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस का सी इज द राइट आंसर बस आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग बनाना कोई टफ काम नहीं है अभी और हम क्वेश्चन पूर्ण पूर्णवर्ग पर करेंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बस यही काम करना है पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक वन बनाओ फिर इसका जो गुणांक है एक्स का उसको आधे का वर्ग जोड़ दो उसी को घटा दो कुछ ना कुछ आगे बन जाएगा आगे सेटलमेंट करके जो फार्मूला बनना होगा उधर से देख के फार्मूला हम लगा देंगे हमें फार्मूला लर्न होने चाहिए वो याद रखेंगे ठीक है चले अब इसी पर कुछ अच्छा क्वेश्चन और करते हैं पूर्ण वर्ग विधि पर ही चलेंगे इसी में एक ऐसा क्वेश्चन बनता है ऐसी फॉर्मेट में कि एक द्विघात समीकरण नीचे दिया जाएगा लेकिन द्विघात वो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होगा उसे हमें बनाना पड़ेगा हमेशा रूट में भी हो सकता है रूट के अंदर यही द्विघात हो सकता है इसी में रूट लगा दो तो तो द्विघात है है उसको भी सेम काम करना रूट तो वाला फार्मूला आ जाएगा रूट वाला नहीं है तो बिना रूट वाला आ जाएगा फार्मूला याद हो आपका काम हो जाएगा देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को इस काम वैसे ही करना है हमने dx लिया पहले काम वही करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है नहीं है तीन है तो तीन पहले कॉमन निकाल लो उसका गुणांक वन बनाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का तेरह बटे तीन एक्स माइनस का दस बटे तीन ये आ गया। दूसरा काम जो x का गुणांक है उसका आधा तो तेरा बटे तीन है इसका आधा करेंगे बटे घटा घटा तो तीन एक्स इसका तेरा बटे जाएगा ना तेरा बटे छह का वर्ग जोड़ो भाई और तेरह बटे छ के वर्ग को घटा भी दो माइनस तेरा बटे छह के वर्ग को घटा भी दिया और माइनस का दस बटे तीन है उसको चलने दो अब बटे तीन तो एक पूरा बाहर ले लिया हमने बटे में यह हमारे पास हो गई एक्स प्लस तेरा बटे छ का होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लो माइनस कॉमन लिया एक सौ उनहत्तर बटे छत्तीस और 10 बटे तीन, माइनस प्लस हो जाएगा 10 बटे 3 ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया 10 बटे 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर बाकी तो उधर तो वो पूर्ण वर्ग ही यहां पे आओ 1 बटे 3 इंटीग्रेशन डीएक्स बटे में क्या हो गया हमारे पास एक्स प्लस 13 बटे 6 का होल स्क्वायर इसको ऐसे रहने दो तो, एक्स प्लस तेरा बटे इसको सॉल्व कर लो भाई उन छत्तीस है और दस तीन है छत्तीस एल्सियम ले लिया माइनस छत्तीस हमने एलसीएम ले लिया आसान है कोई दिक्कत नहीं है ये हो जाएगा एक और प्लस तीन बारह बारह मतलब दस एक तो यहाँ पर हो गया एक बटे तीन डी एक्स बटे एक्स प्लस तेरह बटे छ का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया टू एट्टी नाइन बटे छत्तीस 289 आपको पता है किसका वर्ग होता है सत्रह का छत्तीस छह का होता है ये भी वर्ग बन जाएगा तो ये हो गया डी एक्स बटे हमारे पास एक्स प्लस बटे छ का वर्ग है और माइनस सत्रह बटे जाएगा बात समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं सिंपल कैलकुलेशन है आराम से कैलकुलेट करते जाओ आंसर आपका निकलता जाएगा अब ये हमारे पास डीएक्स अंडर रूट तो था नहीं, नहीं है स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन आंसर होता है इसका तो बस आप सीधे फार्मूले में वैल्यू रखो कोई दिक्कत ही नहीं यहीं a हमारे पास यहां पर क्या है ए सत्रह बटे तो रख दो सत्रह बटे छ फिर लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए मतलब एक्स प्लस तेरह बटे छ माइनस का सत्रह बटे छ और बटे में x x हमारे पास है तेरह बटे छह तक और प्लस का a सत्रह बटे छ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ये ब्रैकेट बंद प्लस का c चल रहा है तो ये हो गया हमारे पास इसको काटो देखो पहले दो तीया छह करोगे ये तीन ऊपर जाएगा तीन से ये भी तीन उड़ जाएगा बचेगा केवल एक बटे सत्रह एक बटे सत्रह कर दो इसको लॉग ये देखो यहाँ पे एल्सियम ले लो सिक्स एक्स यहाँ पे एल्सियम ले लो सिक्स एक्स हो गया प्लस का तेरह और माइनस का सत्रह बटे में इधर भी ले लो सिक्स तो सिक्स एक्स तेरह प्लस सत्रह सिक्स एक्स प्लस तेरह प्लस का सत्रह बटे का छ से छह भी उड़ गया भाई ये बचा है एक बटे सत्रह जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो करके आना है देखो मार्क्स कटेगा नहीं तो आधा बक्स सिक्स एक्स तेरह से सत्रह चले गए माइनस चार ये हो गया सिक्स एक्स तेरह सत्रह हो गया तीस क्या हुआ आप यहाँ से कुछ और हो सकता है कॉमन निकल सकता है भाई निकाल लो जितना हो ही सकता है करी देते हैं एक बटे सत्रह लॉग यहाँ से क्या कॉमन आएगा ऊपर से आ जाएगा मान लो दो कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर नीचे से भी क्या करो दो कॉमन ले लो तो यहां से भी दो कॉमन ले लो तो थ्री एक्स और प्लस का पंद्रह है ये टू है यहां पे टू कर दो भाई थ्री एक्स माइनस का टू दो से दो भी उड़ गया एक बटे सत्रह लॉग सी चलने देना भाई सी ना छोड़ना प्लस का सी प्लस का सी ये हो गया लॉग थ्री एक्स माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस का पंद्रह और प्लस का सी यही आंसर है भाई यहाँ तक छोड़ दो इतने में काम हो जाएगा आपका इतने में भला हो जाएगा ये बढ़िया क्वेश्चन था ठीक है बस वर्ग बनाना था हमें और कुछ नहीं करना था ये लॉन्ग में आते हैं क्वेश्चन आपने थ्री पले एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन लिया फिर जो एक्स का गुणांक था उसका आधा का रहने दिया ये जो पार्ट होगा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसको सॉल्व करके देख लो ये वर्ग के रूप में आ ही गया सत्रह बटे छह कुछ ऐसा बनेगा ही जो वर्ग के रूप में आएगा और आराम से आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा क्लियर सभी को समझ में आई कि किस तरीके से पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करना है एक क्वेश्चन हमने किया पूर्ण वर्ग विधि का एक इस प्रकार का क्वेश्चन किया सभी क्वेश्चन में, में पूर्ण वर्ग में ऐसा ही काम करना है अब इसी में एक एक्सटैंडर्ड क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का कि अगर केवल ये ना होता मान लो आप ये दिमाग में डालो कि ये नहीं है मान लो ये चीज नहीं है तो, तो क्वेश्चन बेहद आसान था सर अंडर रूट लगा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं अंडर रूट वाले भी फार्मूले हैं यहां पर हम क्या करते है? पहले माइनस कॉमन लेते स्क्वायर का गुणांक वन बनाते फिर जो हम फोर लिखा है इस फोर का जो गुणांक हो मतलब एक्स का जो गुणांक है फोर इसका आधा मतलब दो का वर्ग जोड़ते दो का वर्ग घटाते और आराम से परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको भी सॉल्व करके हम फार्मूला लगा के आंसर निकाल देते गड़बड़ कर दिया जो ऊपर लिखा है क्या लिख दिया उसने ऊपर एक्स प्लस थ्री लिख दिया ये कुछ फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जैसे इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में भी हो सकता है बिना अंडर रूट के भी हो सकता है प्लस सी और ये डी एक्स इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है इनको करने का एक फिर से फिक्स फॉर्मेट है कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाए तो कुछ थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से करना है अगर ऊपर भी कुछ लिखकर आ जाए यहाँ पे कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी थ्री हम बाहर कर लेते कोई दिक्कत नहीं कॉन्स्टेंट की कोई समस्या नहीं लेकिन अगर इस साथ में चर लग के आ गया तो हम इसको बाहर तो कर नहीं सकते करना पड़ेगा समाकलन तो कैसे करना है बात समझो सबसे पहली चीज कि इसको टी माने तो ये नहीं मिलेगा मतलब तो एक दूसरे के डिफ्रेंसिएशन भी मौजूद नहीं है लेकिन आप क्या करोगे आप जबरदस्ती मानोगे आप लिखोगे कि माना जो एक्स प्लस थ्री है ना वो हमारे पास बराबर है आप ऐसा दिखाओगे कि इसका करेंगे तो ये आ जाएगा लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि इसका करेंगे तो तो ये नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे यहां पर ए लगाओगे और प्लस का बी यही करना है क्वेश्चन में वो कुछ नहीं ए और बी लगाते ही क्या होगा अब ए बी के ऐसे मान निकालोगे जिसके लिए इसका इसके इक्वल हो जाए क्या कहना चाह रहे हैं बात समझो देखो एक्स प्लस थ्री बराबर हमने ये यह माना यहाँ ए लगाया प्लस बी आप सॉल्व करते हैं पहले फिर समझ में आ जाएगा एक्स प्लस थ्री ए ऐसे रहने दो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ जाएगा माइनस का फोर माइनस का टू एक्स और प्लस का बी यहाँ से क्या करो एक्स प्लस थ्री ऐसे रहने दो ए को अंदर ले गए तो माइनस का फोर ए माइनस का टू ए एक्स और प्लस का बी तो यहां से हो गया एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ये x वाला पार्ट आगे लिख लिया माइनस का टू ए एक्स ये फोर ए और बी एक साथ लिख दिया माइनस का, का, तो का, का, तो का, का फोर ए प्लस का बी यहाँ से ए बी के मान निकालने लें यक्स वाले की तुलना एक्स के साथ होगी कांस्टेंट वाले की कॉन्स्टेंट के साथ होगी तो एक्स वर्ग का गुणांक है वन बराबर माइनस का टू ए तो ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस का वन बाई टू बी की वैल्यू क्या आएगी बी की वैल्यू निकाल लो थ्री बराबर माइनस का फोर ए प्लस का बी तो थ्री बराबर माइनस का फोर ए की वैल्यू क्या है माइनस का वन बाई टू रख दो माइनस वन बाई टू प्लस का बी दो दूना चार हो गया तो थ्री बराबर हो गया दो प्लस का बी तो बी बराबर आ गया वन ए बी की वैल्यू आ गई अब आप ए का मान माइनस वन बाई टू रखो और बी का मान यहां जैसे ही वन रखोगे तुम पाओगे कि ये जो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें इसको जब हम समेटेंगे तो यही एक्स प्लस थ्री बन जाएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू रख दे इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा माइनस का फोर और माइनस का टू एक्स और इसको हम लिख देंगे प्लस का बी बी की वैल्यू आई है वन अब इसको देखो तुम खोलो तो ये अंदर जाएगा तो यहां से हो जाएगा दो दूना चार मतलब केवल बचेगा दो यहां पर जाएगा तो प्लस दो से दो कट जाएगा मतलब कि एक्स और प्लस वन और ये क्या आ गया एक्स प्लस थ्री

माइनस का x2 dx अब ऊपर हमारे पास क्या बना है ऊपर जो बना है उसको रख दो ऊपर हमारे पास a की वैल्यू माइनस का 1/2 इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो मान लो आ गया माइनस का 4 माइनस का 2x और प्लस का b प्लस का b मतलब हो गया 1 ठीक b की वैल्यू 1 थी हमने a और b सबकी वैल्यू रख दी अब हमें पता है कि इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया क्योंकि इसकी जगह पर ये लिखोगे आप इसको सॉल्व करोगे फिर से यही आ जाएगा तो बस इसकी जगह पर हमें ऐसा कुछ बनाना था कि जिसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पर पर मिल जाए। अब इसका यहाँ पर अब इसका है। अब दोनों को अलग, -अलग, कर एक काम दोनों को अलग, -अलग हो जाएगा माइनस तो फोर माइनस टू एक्स अंडर रूट के अंदर फाइव माइनस फोर एक्स माइनस का एक्स ये हो गया डी एक्स प्लस एक बार वन के नीचे ले लो वन बटे अंडर रूट के अंदर फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अब क्वेश्चन आसान हो गया अब तुम इसको टी मानोगे ये ऊपर अवेलेबल है इसका काम तुरंत खत्म हो जाएगा यहाँ पे लिखोगे जैसे ही माना क्या मानोगे फाइव माइनस फोर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर जैसे ही तुमने टी माना ये क्या आ जाएगा माइनस का फोर माइनस का टू एक्स डीएक्स बराबर dt इसका काम तुरंत खत्म हो हो जाएगा जाएगा ये ये बन माइनस का वन बाई टू। ये तो हो गया गया हमारे हमारे पास पास पूरा dt नीचे पास आ t की पावर वन बाई टू प्लस का ये वाला क्वेश्चन t की पावर वन बाई टू ऊपर ले जाओगे इसका समाकलन हो जाएगा t की वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा इस वाले में क्या करोगे वही सेम क्वेश्चन अब ये सेम क्वेश्चन अब यहां से ये क्वेश्चन कौन सा बन गया पूर्ण वर्ग बना के इसके लिए क्या करोगे दूसरे वाले को इसको आप फिर से आप यहां से x का गुणांक जो है माइनस वन कॉमन लोगे फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे और फिर इसको उसी तरह सॉल्व करोगे जैसे इसको सॉल्व किया मतलब इतनी स्टेप थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई एक क्वेश्चन इसके अंदर और छिपा था ये क्वेश्चन अलग और ये क्वेश्चन अलग स्टेप तो और एक्स्ट्रा हो गई अब यहां से पूर्ण वर्ग वाला हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तभी ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन ऐसा आशा तुम लोग आगे कर लोगे पूर्ण वर्ग वाला कर लोगे ना भाई जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है और कुछ और नहीं करना है। ये में हम डालना है आपको ये आप लोग ट्राई करोगे आराम से वैसे ही करना है आप यहाँ से माइनस का गुणांक पहले कॉमन लोगे जैसे अभी मैंने पीछे रूट वाला किया था यहां से फिर आप x का जो गुणांक है वही दो इसका वर्ग जोड़ के घटाओगे फिर आराम से फार्मूला बन जाएगा सिर्फ इतनी रामायण इसलिए थी कि इसको टी मानने पर जो ऊपर बने वो हमें मिल जाए यहां पे एक्स प्लस थ्री था इसको टी मानते तो यहां पर हमें आना चाहिए था -4 X, X. तो -4, लाने के लिए हमने क्या किया इस रूप में तोड़ा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये तुम तोड़ रहे हो आप डायरेक्टली जो भी ऊपर लिखाओ इसको इक्वल टू डी डी एक्स करो ए इधर गुणा में लगाओ प्लस का बी लगाओ ए बी के मान निकालो यहां पर पुट करो सेम फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी प्रकार हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं सबको समझ में आई बात कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व हुआ तो ये है बहुत क्वेश्चन है, है लेना चलते हैं अगले टॉपिक पर अब शुरू होता है हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे इनका हमें समाकलन याद करना होगा कुछ इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन है ये अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें सब उन्हीं के हम लोग आप चर्चा करेंगे आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन की कि क्या होता है आंशिक बिंदु के द्वारा समाकलन समझते हैं पहले इसमें बेसिकली तीन फॉर्मेट हैं अपने पास कि तीन फॉर्मेट पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं हाँ बाकी जो बनेंगे उन्हीं भी हम तोड़ लेंगे जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस इसमें इसमें कुछ हमें फिक्स पैटर्न है कुछ उसी प्रकार से काम करना है अलग अलग फॉर्मेट बनते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इंटीग्रेशन दिया जाएगा या कोई फलन दिया जाएगा एफ एक्स बटे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी इस प्रकार का कोई हमें फॉर्मेट दिया जाएगा जैसे ये देखो लिखा है ये एक्स माइनस है या माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है यहाँ ऊपर फलन है कुछ यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गुणा में लिखा हुआ है इस प्रकार का होगा तो इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस दूसरा फॉर्मेट क्या बनता है दूसरा फॉर्मेट बनता है जैसे एफ एक्स बटे ये हो जाए कि एक्स प्लस ए का मान लो होल स्क्वायर है और एक्स प्लस बी है ठीक एक का होल स्क्वायर लग गया तो जिसका होल स्क्वायर लग जाएगा उसको आप दो बार लिखोगे एक बार तो लिखोगे जैसे एक्स प्लस ए एक का होल स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर के रूप में लिख दो जैसे लिखा है दूसरा आप इसको फिर खाली लिखोगे मतलब बिना स्क्वायर के फिर आप सी अपॉन जो तीसरा बच रहा है उसको लिख दोगे एक्स प्लस बी स्क्वायर वाला जब भी होगा तो पहले स्क्वायर के रूप में फिर बिना स्क्वायर के फिर आप वैसे खाली वाला लिख दोगे। तीसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है आप ऊपर तो ही यहां पर मान लो एक्स प्लस बी बटे में जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस का फिर हो गया तो आप क्या मानोगे अगला सी ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी

वो हर की घात से छोटी होगी तभी हम आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ते हैं जब अंश की घात हर की घात से छोटी हो अंश वाला जो बहुपद होगा लिख दो यहां पे, अंश की घात क्या होगी हमेशा छोटी होगी हर की घात से पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं याद रखनी हर क्वेश्चन करते समय देखना है जब भी आंशिक भिन्न में लगाओगे तब आप क्या करेंगे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तब आप आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ते हैं जब अंश की घात छोटी होती है हर की घात से अगर किसी केस में ये हो जाए कि अंश की घात बड़ी या बराबर हो जाए अंश की घात क्या हो जाए बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए हर की घात से तब आप क्या करेंगे उसका भी क्वेश्चन करा देंगे आपको उस केस में हमें भाग देना होता है पहले हम भाग देंगे ऐसा बनाएंगे बहुपदों का भाग होगा फिर वहां पर जब इस फॉर्मेट में आ जाएगी कि अंश की घात छोटी हो जाए हर की घात बड़ी हो जाए तब हम उसका आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो पहले भाग करेंगे फिर उसे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन तब बता देंगे फिर आंशिक जो लिख देंगे बाद में बता देंगे ये बस याद रखना है कि पहले हमें फिर भाग करना है अगर ऐसा कुछ केस बनता है ठीक समझते हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं आंशिक बिन्न पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा है थ्री एक्स माइनस वन लिखे अपने पास बटे में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और x 3 इनको हल हल करने का कोई एक तरीका है उस तरीके से हल करते हैं पहले तोड़ो इसको पहले तोड़ते हैं तो उस रूप की है पहले फॉर्मेट की है a upon x 1 plus b upon x 2 plus c upon x 3 ठीक हमने तोड़ा आंशिक भिन्नों के रूप में अब क्या करोगे इसको इधर डायरेक्टली इधर गुणा कर दो ठीक तो ये हो गया हमारे पास 3x 1 इसको हमने इधर गुणा कर दिया इसको आप जैसे ही पूरा इधर गुणा करोगे तो x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा बचेगा क्या x माइनस टू और x माइनस थ्री ए के साथ में कोई दिक्कत नहीं प्लस जब इसका इसमें गुणा होगा तो x बी एक्स माइनस वन और x माइनस थ्री तो फिर आओ जब इसका c वाले में गुणा करोगे तो x माइनस वन एक्स माइनस थ्री कट जाएगा एक्स माइनस वन और टू बचेगा बचेगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू यहां तक बात क्लियर इसको बराबर में में इस रूप में तोड़ा इसको इधर गुणा किया इस प्रकार हमने निकालने, तो निकालने की एक आसान सी ट्रिक है। कैसे निकालोगे ABC के मान, आप यहां पर मान रखना स्टार्ट करोगे कौन से मान रखेंगे आप इसके नीचे जो लिखा है ना उसको इक्वल टू जीरो करते जाओ जैसे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स बराबर वन मिल जाएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो करोगे तो x बराबर टू मिल जाएगा ऐसे ही x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करोगे तो x बराबर थ्री मिल जाएगा एक बार x बराबर वन रखो एक बार x बराबर टू रखो एक बराबर x बराबर थ्री रखो ये वन टू थ्री कहां से आए इनको इक्वल टू जीरो करने पर वन टू थ्री वन रखो यहां पे, जैसे ही वन रखोगे ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा थ्री माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे वन रखोगे जीरो हो जाएगा पूरा क्योंकि वन माइनस वन जीरो पूरा जीरो यहां पर रखोगे ये भी पूरा जीरो हो जाएगा यहां पर केवल वन आएगा तो ये आ जाएगा वन माइनस टू और वन माइनस थ्री वन माइनस टू माइनस वन वन माइनस थ्री माइनस टू मतलब टू बराबर आ गया टू ए बराबर आ गया वन ए की वैल्यू आ गई वन बी की वैल्यू निकालो ऐसे यहां पे टू रखो तो तीन दूना छ पूरे इक्वेशन में हमें टू रख देना है तो तीन दूना हो जाएगा सीधे छ लिखते हैं छ माइनस वन इक्वल टू यहां पे देखो दो रखोगे ये जीरो हो जाएगा यहां पर दो रखोगे ये जीरो हो जाएगा यहां पर दो रख दो b टू माइनस वन टू माइनस थ्री तो ये हो गया पांच ये हो गया हमारे पास कितना b एक बचा यहां पर भी एक बचा ये b बचा तो b बराबर आ गया पांच सीधी बात ये ठीक माइनस पांच आएगा दो माइनस एक प्लस का दो एक तो तो दो माइनस तीन माइनस आएगा तो माइनस पांच कर दो b बराबर आ गया माइनस का पांच सी की वैल्यू निकालनी है तो थ्री रखोगे जब तो ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा तो तीन तिर का नौ माइनस एक यहाँ पर रख दो तीन माइनस एक और तीन माइनस दो कोई दिक्कत नहीं ये हो जाएगा आठ ये सी ये बचेगा दो ये बचेगा एक दो और एक तो ये दो तो सी बराबर आ जाएगा चार ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू माइनस पांच सी की वैल्यू चार रख दो ये बी सी की वैल्यू ये बन गया हमारे पास सीधा लिखते हैं क्या बन गया इसके बराबर ये लिखा था तो ए अपॉन क्या बन गया हमारे पास अब अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू प्लस एक्स माइनस थ्री सी अपॉन सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास सी की वैल्यू आई है चार एक्स माइनस थ्री बस ये इसके बराबर है लगाओ इंटीग्रेशन कर दो डी अलग अलग सभी का समाकलन कर दो तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन डी माइनस का इंटीग्रेशन फाइव अपॉन एक्स माइनस टू डी प्लस इंटीग्रेशन फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन आपको पता ही है क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन सीधा लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा फाइव बाहर लॉग एक्स माइनस टू प्लस फोर बाहर ये हो जाएगा log x माइनस थ्री और प्लस का c ये तो पता ही है ना कि x माइनस वन को तुम वैसे भी अब वैसे अगर करना चाहो तो x माइनस वन को तुम t मान लो फिर dx मान निकालो और फिर वहां से करोगे तो भी इसको t मानोगे पॉइंट टी मान लॉग टी, टी होगा फिर t की जगह रख दोगे x माइनस वन तो वही बन जाएगा तो यही हमारे पास हमने इसको डायरेक्टली लिखा इतना तो अब ही गया होगा तो यहाँ से हो गया हमारे पास इस बात का आंसर बस आंशिक बिन्न में तोड़ते अगली लाइन में आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है यहां तक बात क्लियर तो इस तरीके से हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है पहले तो फिर कैसे ए बी सी के मान निकालने हैं और फिर कैसे इसका आंसर सॉल्व करना है बात यहां तक सबको समझ में आई आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जैसे ही आप आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हो आराम से अब इसी का दूसरा फॉर्मेट करते हैं जैसे इस प्रकार का सेकेंड फॉर्मेट का क्वेश्चन है इसमें ए बी सी के मान निकालना फिर पड़ेगा अब इसमें कैसे निकलेगा ए बी सी का मान समझते हैं देखो इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं इसको भी तोड़ो कोई बोर तो नहीं हो रहा भाई भाग तो नहीं गए सारे कि सर जा रहे हैं बहुत हो गया अब तो यहाँ से इसको लिखा x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस तीन थोड़ा लंबा है चैप्टर लेंदी है मैं भी आपके साथ लगा ही हूँ लगातार तुम तो बस देखते रहो साथ में लगे रहो बस पूरा डिवाइज हो जाएगा ये मेरी गारंटी इसको तोड़ते हैं अब ये यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर वाला रूप है तो एक तो हो जाएगा a अपऑन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दूसरा हो जाएगा इसको बिना होल स्क्वायर के लिख देते हैं एक्स प्लस वन तीसरा फिर जो हमारे पास बच गया क्या है एक्स प्लस थ्री तो यहाँ से हो गया एक्स प्लस के रूप में लिखते पहले तोड़ ही लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं ठीक इसको उस साइड भेजा ये आ गया थ्री एक्स माइनस टू बराबर इसको जैसे ही साइड भेजोगे इससे कट जाएगा बचेगा केवल क्या ए एक्स प्लस थ्री बी से एक X plus one से कट होल स्क्वायर बचेगा फिर से वही काम मान रखो कैसे मान रखते हैं एक बार इसको तो जीरो करके एक बार इसको इक्वल टू तो जीरो, इसको। इसको इक तो जीरो करोगे तो क्या आएगा एक्स बराबर माइनस वन इसको करोगे तो भी वैल्यू सेम आएगी ये भी एक्स बराबर माइनस वन देगा तो इसका कोई मतलब नहीं इसको करो तो एक्स बराबर माइनस थ्री दो वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं दो वैल्यू तो मिल जाएंगी पहले यही दोनों रख के देख लेते हैं अभी तो दो ही मिली हैं समझ लेते हैं पहले यही दोनों रखो जो मिली हैं वो रखो माइनस वन रखा है यहाँ पे तो तीन माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू यहाँ माइनस वन रखोगे ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा केवल ये बचेगा तो ए माइनस वन प्लस थ्री ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा माइनस का फाइव और ये हो जाएगा प्लस का टू है तो ए बराबर आ जाएगा माइनस का फाइव बाई टू कोई दिक्कत नहीं माइनस थ्री रखेंगे तो तीन नौ, का नौ माइनस का नौ माइनस का दो बराबर ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा सी वाला केवल तो सी वाले में क्या बचेगा माइनस थ्री और प्लस वन क्या हो जाएगा सॉरी माइनस थ्री प्लस वन टू टू का स्क्वायर मतलब कि फोर लिख देते हैं माइनस थ्री प्लस का वन का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस का इलेवन हो गया सी, सी बराबर हो गया माइनस का बटे चार। अब A और C की वैल्यू आ गई लेकिन सर बी की वैल्यू कैसे निकालें क्योंकि मान तो दो ही आए थे एक माइनस वन आया था माइनस थ्री आया माइनस वन यहां से भी माइनस वन यहाँ से थ्री तो एक वैल्यू और निकालनी है तो बस एक मान अपने मन से रख दो जो भी चाहो वो रख दो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि ए बी की वैल्यू तुम्हारे पास ए और सी की आ चुकी दो वैल्यू आपके पास निकल चुकी होंगी आप C का मान हमें बचा किसका मान है B का मान निकालना है आप कोई भी मान x का रख दो सबसे आसान है जीरो रख दो कैलकुलेशन इजी रहेगी आप x बराबर जीरो रखो अपने मन से रखना है आप जीरो के अलावा वन टू आपका मन हो दो हजार तीन हजार दो सौ तैतालीस चार सौ तैतालीस रख लेना कैलकुलेशन आपको करनी जीरो रखेंगे कैलकुलेशन आसान रहेगी जीरो रखो यहां पे यहां पे जीरो रखोगे ये हो गया माइनस टू यहां पर अगर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ए जीरो प्लस थ्री यहां पर बी वाले में जीरो रखो तो बी ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा थ्री सी वाले में जीरो रखोगे तो सी यहां से हो जाएगा वन तो माइनस टू थ्री ए थ्री बी और प्लस का सी अच्छी बात ये है कि ए और सी निकाल चुके रख दो बी की वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू क्या है तीन गुणे माइनस का पांच बटे दो बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है सी की वैल्यू है माइनस का ग्यारह बटे चार कोई तरीका है नहीं सब सॉल्व ही करना पड़ेगा कर ही लेते हैं ये आ गया माइनस दो ये आ जाएगा पानिया पंद्रह माइनस को होगा इधर आएगा तो पंद्रह बटे दो हो जाएगा ये ग्यारह बटे चार इधर ले आओ प्लस का ग्यारह बटे चार हो जाएगा इक्वल टू थ्री बी ठीक एलसीएम ले लो चार एलसीएम ले लिया तो ये हो गया एक चौकू चार चार दूना माइनस आठ दो दूना चार पंद्रह दूना तीस प्लस ग्यारह इक्वल टू थ्री बी कितना हो गया तीस और ग्यारह हो गया हमारे पास तीस और ग्यारह हो गया बेटा इकतालीस इकतालीस से हमारे पास आठ चले गए तो हमारे पास कितना बचा? 33, तो बचा तैतीस बटे चार इक्वल टू थ्री बी तीन से इसको काटो ग्यारह ती 33, तो बी बराबर क्या आ गया ग्यारह बटे चार ठीक बी बराबर हमारे पास यहां से आ गया ग्यारह बटे चार ठीक है ए बी सी सब निकल आया कोई दिक्कत ही नहीं है कोई समस्या ही नहीं है रख दो सीधे आंसर आएगा अब इसी में सीधे रखते थे इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक की वैल्यू है एक वैल्यू माइनस पांच बटे दो रखो माइनस का पांच बटे दो अपॉन में क्या है एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक कोई दिक्कत नहीं फिर आओ प्लस बी अपॉन बी की वैल्यू क्या है सर बी की वैल्यू है हमारे पास ग्यारह बटे चार ग्यारह बटे चार नीचे है एक्स प्लस वन सी की वैल्यू क्या है माइनस का ग्यारह बटे चार नीचे क्या है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इंटीग्रेशन लगा दो dx आसान है अब तो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है माइनस फाइव बाई टू बाहर हो जाएगा तो माइनस का फाइव बाई टू तो सीधे बाहर इसको ऊपर ले चलते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का ऊपर ले गया तो माइनस का हो गया डीएक्स प्लस यहां पर ग्यारह बटे चार बाहर इंटीग्रेशन यहां से हो गया वन अपॉन एक्स प्लस वन का कर लेंगे समाकलन इसका करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं इसको आप टी मान के अगर करोगे भी तो इसका सीधे कर ही देते हैं अब क्या समाकलन लगाना ये हो गया माइनस का फाइव बाई टू इसका कर लेते हैं तो ये हो गया एक्स प्लस वन का का और प्लस अपॉन अपॉन इसको इसको आप टी टी वैसे भी मानोगे तो टू प्लस वन टू प्लस वन हो जाएंगे, इसको टी मान के करोगे तो भी वही चीज आने वाली है ये सीधा हो गया लॉग एक्स प्लस वन ये तो आसान है माइनस ये हमारे पास क्या हो गया ग्यारह बटे चार लॉग एक्स प्लस थ्री तो प्लस का सी एक छोटी सी चीज सिंप्लीफाई हो सकती है जैसे ग्यारह बटे चार कॉमन हो जाएगा इन दोनों से लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा ब्रैकेट लगा लो भाई लगाया एक औपचारिकता अरे पूरे में पाँच बटे दो बाहर हो जाएगा ब्रैकेट हटाओ इसको यहीं पे लगा लेते हैं कोई नहीं ठीक है अब यहाँ पे क्या करो इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस का पाँच बटे दो ये हो जाएगा एक्स यहाँ से हो जाएगा माइनस आएगा तो ये बाहर वाले को प्लस कर देगा इसको प्लस कर दो ठीक यहां से माइनस वन आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन होगा इसको सीधा नीचे लिख लेते हैं 1 X 1, कोई दिक्कत नहीं यहां से क्या करो ग्यारह बटे चार बाहर आ गया ठीक ये बच्चा लॉग एम अपॉन एन तो एम क्या है एक्स प्लस वन एन क्या है एक्स प्लस थ्री लॉग एम माइनस एन लगा दिया लॉग एम माइनस लॉग एन ग्यारह बटे चार बाहर हो गया और प्लस का सी बस यही आंसर है अब नहीं होगा बस यही आंसर है बेटा आपका आसान है बस ये याद रखना है कि किस तरीके से हमें आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है और कैसे मान निकालना है क्वेश्चन आसान है थोड़े थोड़े से लेंदी है क्वेश्चन वो बात सच है लेकिन हमें इस प्रकार से तोड़ना है कैसे ए बी सी के मान निकालने वो मैंने बता दिए आप ए बी सी के मान रखोगे बाकी समाकलन फिर ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा समाकलन तुम्हें सिंपल सा मिलने वाला है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं कोई डाउट तो नहीं चले आगे अभी आंशिक भिन्न पे दो तीन क्वेश्चन और लगाने हैं दो तीन और ज्यादा ही लगाएंगे ये भी है ये भी है फिर खंड साह भी पहुंचेंगे हम लोग तो अभी बेसिकली तीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है पहले इसकी ही बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है देखो इसमें करना क्या है अब इस क्वेश्चन में अगर देखो तो हम आंशिक भिन्न डायरेक्टली तो तुम्हें नहीं समझ में आ रही कि कहां पर क्या आंशिक भिन्न लग रही जो हमने पिछला जैसे क्वेश्चन किया आंशिक भिन्न पर उस पर अगर बात करें इस क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं अब हमें इसको पहले क्या करना है पहले प्रतिस्थापन थोड़ा यूज करना है कि अगर हम यहां से कॉशेक्स को टीम मानेंगे या साइन एक्स को कॉशेक्स को, को मानने से कोई फायदा नहीं साइनेक्स को अगर हम टीम मानेंगे तो कॉश एक्स डी फाइ ये मतलब फाई है कोई दिक्कत नहीं उससे परेशान नहीं होना कि यहां पर फाई लगाए ऐसे साइन फाइव को अगर हम टीम मानते हैं तो कॉस फाइव डी फाइव की जगह हमें डायरेक्टली डी टीम मिल जाएगा यहां पर भी साइन फाइव है यहां पर भी टी रख लेंगे लेकिन ये कॉस तो इसको क्या करो इसको भी साइन के रूप में बदल लो अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है देखो इसको करना कैसे है आप यहां पर क्या करोगे ये तो थ्री फाई। फाई लिखा हो, हो एक्स लिखा हो कुछ भी लिखा हो बीटा ईटा कुछ भी परेशान नहीं होना है डरना नहीं है क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा ये हो गया कॉस फाइव नीचे हमने क्या किया ये फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव को वन माइनस साइन लिया माइनस का फोर साइन फाइव डी फाइव थोड़ा सा समेट लो इसको आसान हो जाएगा क्वेश्चन यहां पे हमने क्या किया ऊपर ऐसे रहने दो थ्री साइन माइनस का टू कॉस अपॉन में आए माइनस अंदर ले जाओ फाइव माइनस वन प्लस का साइन स्क्वायर फाइव माइनस का फोर साइन फाइव और ये डी फाइव है तो डी फाइव लिख लो इसको फाइव के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है अब यहां पर फिर से वही रखते हैं, थ्री साइन फाइव माइनस का टू कॉस बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा पांच माइनस एक चार हो जाएगा ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर फाइव आगे लिख लिया फिर लिख लिया माइनस का फोर साइन फाइव और पांच माइनस एक हो गया चार और डी फाइव अब देखना कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा यहां से हम इसको लिख सकते हैं ये हो गया थ्री साइन फाइव माइनस का टू और बटे में इसको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और दो का स्क्वायर और माइनस का टू ए बी तो ये हमारे पास लिखा है नीचे साइन फाइव माइनस के टू का होल स्क्वायर और ये cos फाइव साथ में चल ही रहा है और साथ में है डी फाइव अब मान लो किसको साइन फाइव को टी यहां से क्वेश्चन आसान हो जाएगा जैसे ही आप क्या करते हो यहां से अब लिखो माना साइन फाइव बराबर टी साइन फाइव का हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया कॉस फाइव डी फाइव इक्वल टू आ गया डी टी अब कॉस फाइव डी फाइव की जगह तो हो जाएगा डी टी यहां पर टी रख देंगे तो थ्री टी माइनस टू यहां पर टी रख देंगे तो टी माइनस टू का होल स्क्वायर तो क्या बदल गया ये हमारे पास हो गया थ्री टी माइनस टू अपॉन में t माइनस टू का होल पूरी हो गया dt अब क्वेश्चन आसान हो गया आपका हमें थोड़ा सा फेर बदल करना था डायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था cos को हमने साइन में बदला फिर साइन में बदल कर हमने क्या किया साइन जो हमारे पास साइन फाइव था उसको t मानकर ऊपर cos फाइव डी फाइव को हमने dt लिख लिया और इस रूप में परिवर्तित कर लिया अब इसके भी क्या हमारे पास आंशिक भिन्न होंगे? होंगे। हाँ, होंगे? बिल्कुल कैसे होंगी? देखो, इसको हम ऐसा करते हैं इसको अलग से तोड़ के तुम्हें दिखा देते हैं पूरा हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व करना ही आंशिक भिन्न तो पहले आंशिक भिन्न ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे ये हमारे पास है थ्री टी माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे इसको लिख लेंगे प्लस बी बटे टी माइनस टू आपको पता है जब भी स्क्वायर लगता है तो आपको पता है एक बार तो पूरा स्क्वायर के साथ लेते हैं फिर एक बार सिंगल के साथ लेते हैं ठीक तो ये हो गया ए बटे टी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी बटे टी माइनस टू वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते थे इसको इधर भेज देते हैं यहां से हो जाएगा थ्री टी माइनस का टू इक्वल टू जैसे इस साइड भेजेंगे ये तो कट जाएगा तो हमारे पास केवल ए बचेगा प्लस का इसके नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बी और टी माइनस टू ठीक यही तो निकल के आएगा अब ए के मान रखते हैं टी के मान रखते हैं अलग अलग कैसे रखते हैं टी के मान इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो टी माइनस इक्वल टू जीरो करोगे तो टी बराबर क्या जाएगा? T तो T बराबर आ जाएगा टी माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो करोगे तो टी बराबर टू आ जाएगा और इसको भी करोगे तो भी टी बराबर टू आएगा तो दूसरा मान हम अपने मन से तो छ माइनस दो, देख दो, तो दो इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा, ये बराबर, ए, तो ए बराबर आ जाएगा छ माइनस दो मतलब कि चार आ जाएगा ए की वैल्यू तो चार हो गई टी बराबर जैसे ही तुम जीरो रखते हो तो ये हो जाएगा माइनस का दो यहां से हमारे पास हो गया ए प्लस यहां पर टी बराबर जीरो रखोगे हो जाएगा माइनस का टू बी ठीक अब हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं रख देते हैं ए की वैल्यू क्या निकाली है चार और ये हो जाएगा माइनस का टू बी यहां से चार को इस साइड भेज देते हैं तो ये हो गया हमारे पास माइनस का छ माइनस का टू बी दो से इसको काट देते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया तो बी बराबर यहां से निकल आया तीन दूना च्छे. तो बी की वैल्यू आ गई तीन ए की वैल्यू चार है बी की वैल्यू तीन है आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो हमने टी की वैल्यू रखी टी की अलग अलग वैल्यू रखी टी माइनस टू इक्वल टू जीरो करोगे तो टी बराबर टू रखोगे तो दो तीन छह माइनस का दो मिल गया और ऐसे ही हमने यहाँ पर बी, टी की वैल्यू जीरो रख के हमने बी की वैल्यू निकाल ली ठीक अब ये हमारे पास क्या हुआ यहाँ से यहाँ से हुआ क्या ए और बी को हमने आंशिक भिन्न के रूप में जब तोड़ लिया तो अब इसको इंटीग्रेशन हमारा बहुत सिंपल हो गया हमने इसको इंटीग्रेशन के रूप में तोड़ लिया कैसे ये हो गया इंटीग्रेशन a बटे a हमारे पास क्या है t 2 का होल स्क्वायर तो a हमारे पास है चार तो एक हो गया 4 t 2 का होल स्क्वायर dt प्लस का दूसरा हो गया हमारे पास b की वैल्यू है तीन तो तीन बटे t 2 dt अब ये इंटीग्रेशन आसान हो गए t 2 का होल स्क्वायर वाला जो है इसको ऊपर ले चलते हैं आराम से कर सकते हो ये हो जाएगा t माइनस टू का होल स्क्वायर ये का टू हो जाएगा dt टी फोर है बाहर आ जाएगा इसमें थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा ये हम सीधे डायरेक्टली लिख लेंगे वन अपॉन log t करके तो ये हमारे पास क्या है t माइनस टू डी अब यहां पर देखो ये फोर तो कॉन्स्टेंट है इसका हम कर देंगे समाकलन तो आ जाएगा t माइनस टू की पावर माइनस टू प्लस वन नीचे भी आ जाएगा माइनस टू प्लस वन ये हमारे पास थ्री कॉन्स्टेंट है ये हो जाएगा log t 2 ये तो हमने कर रखे हैं काफी सारे तो ये आराम से हो जाएंगे प्लस का c ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 1 अपॉन आ जाएगा t 2 ठीक है क्योंकि t की पावर -2 1 1 होगा t 2 नीचे आ जाएगा और प्लस का 3 log t 2 और प्लस का c t की जगह वैल्यू रख दो t किसको माना था हमने sin phi को माना था तो ये हो गया माइनस का 4 अपॉन साइन फाइव माइनस का टू प्लस का थ्री लॉग ये भी हो गया साइन फाइव माइनस का टू प्लस का सी यही हमारे पास आंसर हो जाएगा का <coughs> सी नीचे लिख देते हैं ये हमारे पास आंसर आ गया क्लियर है सभी को कोई डाउट तो नहीं कोई समस्या तो नहीं क्या किया इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं एक बार हमने क्या किया इस क्वेश्चन में लॉन्ग का है क्वेश्चन ये हमें याद दिख रहा था कि यहां, पे फाई फाई है, 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 यहां है। हम इस कॉस को भी साइन में बदल सकते हैं फिर हम साइन फाइव को अगर टी माने तो हो जाएगा तो यहां से हमने साइन फाइव को यहाँ से क्या किया पहले इसको कॉस फाइव को हमने वन माइनस साइन स्क्वायर किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर फाइव माइनस फोर साइन फाइव प्लस का फोर ठीक कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ से ये बन गया ए स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर माइनस टू माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर बन बन गया गया का होल इससे हुआ ये कि जैसे ही आप स्क्वायर तो और कॉस डी फाइव की जगह तोड़ लिया ए अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर तो बस यहाँ पर हमने क्या किया ए और बी की वैल्यू निकाल ली इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा आराम से ए बी की वैल्यू आ गई आपको पता ही आंशिक बिन में कैसे हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं एक बार इसको इक्वल टू जीरो करो एक बार इसको करो दोनों से सेम वैल्यू आ रही टी बराबर टू आएगा एक बार तो टी बराबर टू रख दिया दूसरी बार हमने बी की वैल्यू निकालनी थी तो टी बराबर हमने जीरो अपने मन से रख लिया कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर कुछ भी टू ना रखना टू छोड़ के कुछ भी रख लेना क्योंकि टू पर तो ए की वैल्यू मिल रही है फिर आप ए की वैल्यू आई ए की वैल्यू यहां पुट करके बी की निकालो वैल्यू पुट कर दो सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा ठीक कैलकुलेशन चेक करते रहना थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बाकी फॉर्मेट अपना सही है कि इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये ठीक है चले आगे क्वेश्चन पे अब इसी में आंशिक भिन्न पर कुछ और फॉर्मेट बनते हैं जैसे कि एक फॉर्मेट इस पर अभी क्वेश्चन नहीं किया था अभी एक तीसरा फॉर्मेट भी हमने दिखाया था ना दो फॉर्मेट के तो कर लिए कि ए अपॉन बी बी अपॉन सी सी अपॉन ए फिर हमारे पास स्क्वायर वाला होता है अब स्क्वायर के अंदर ही हमारे पास ये द्विघात फलन दिया गया है तो इसको कैसे करना होता है अब इसको भी हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और x माइनस वन इसको तोड़ना है हमें इसका समाकलन करना है बेसिकली हमें करना क्या है हमें तो इसका समाकलन निकालना है डी एक्स तो आप पहले इसको आंशिक बिन में तोड़ो कैसे तोड़ेंगे अब इसको जब तोड़ना है तो पहले हम ax plus b लिखेंगे आपको पता है ये x square है तो पहले ax plus b फिर x square plus का 1 प्लस का c बटे x minus 1 मान रखो x हमारे पास x के मान लेके हम मान निकालेंगे पहले ऐसे इसको करते हैं तेरे गुणा गुना x equal to, ये हो जाएगा ax plus b ये तो कट जाएगा केवल बचेगा जाएग यहां से एक्स माइनस वन कट जाएगा ये बचेगा केवल एक्स प्लस का मान रखना स्टार्ट टू जीरो काल्पनिक माइनस वन आएगा तो ये अंडर रूट माइनस वन तो, तो रखना नहीं है इसको रखो एक्स बराबर वन आप एक्स बराबर जब वन रखते हो यहां पर वन हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा यहां वन रखोगे वन का स्क्वायर वन ये इक्वल टू टू सी हो जाएगा तो सी बराबर सीधे हमारे पास वन बाई टू निकल आएगा ठीक सी की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी सी की वैल्यू यहां से निकल आएगी वन बाई टू। कोई दिक्कत नहीं हमने X की की जगह जगह पर क्या किया रखा का स्क्वायर से वन बाई टू आ गया अब अपने मन से कोई मान रखने पड़ेंगे तभी ए और बी के मिलेंगे एक्स बराबर जीरो रखा पहला वही अपना सबसे आसान मान जैसे ही जीरो रखोगे तो जीरो यहाँ पर जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा प्लस का केवल बी बचेगा और माइनस वन प्लस C यहां पर जीरो रखोगे तो केवल C बचेगा तो ये आ गया B बराबर सी मतलब कि B की वैल्यू भी C के बराबर है मतलब कि वन बाई टू के बराबर है तो B की वैल्यू भी वन बाई टू आ गई तीसरा मान निकालना है A का वन रख चुके हैं जीरो तीसरा फेवरेट मान आपका जो भी रखना चाहो एक्स बराबर हमने माइनस वन रखा माइनस वन ये अपने मन से दो मान रख रहे हैं क्योंकि अब है ही नहीं यहां से मान मिल नहीं रहे तो अपने मन से रख लो कोई दिक्कत नहीं वैसे भी आप अपने मन से रख सकते हो लेकिन यहां से रखने में आसानी होती है माइनस वन रखोगे क्या हो जाएगा तो माइनस वन माइनस ए प्लस का जैसे ही माइनस वन यहां रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब माइनस का टू भी हो जाएगा तो माइनस ए माइनस का टू बी यहां पर माइनस वन रखोगे माइनस वन का स्क्वायर वन ये हो जाएगा प्लस का टू सी हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू है रख दो तो माइनस वन माइनस ए बी की वैल्यू भी वन बाई टू है और सी की वैल्यू भी वन बाई टू है

वन अपॉन टू यहाँ बी की वैल्यू भी है तो टू से टू ये भी कट गया तो यहाँ पे प्लस वन बचा यहाँ पे माइनस वन बचा ए की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है ही हमने माइनस वन रखी है तो ए की वैल्यू माइनस वन है ये माइनस वन है तो ए बराबर वन आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं ए बराबर वन आ गया वैसे वन ही आएगा कप कप का बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी वन बाई टू तो माइनस का टू भी हो गया C की वैल्यू हमारे पास क्या है C की वैल्यू यहाँ पर A की वैल्यू हमने X की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या रखी X की वैल्यू रखी माइनस का वन माइनस का वन का वन ये आ गया प्लस का टू सी ठीक है कोई दिक्कत नहीं यही तो है यही है यही है यही है चलो जो आ रहा है वो क्या कर सकते हैं यही आ रहा है ए की वैल्यू वन बाई ये वन बाई टू है ये भी वन बाई टू है ये हमारे पास आ गई यहाँ से वन ठीक अब चलते हैं आगे ये तो कट गया माइनस माइनस प्लस हो गया वैल्यू रख दो यहाँ पर अब हम हमें याद करना था इंटीग्रेशन तो इसमें इंटीग्रेशन में वैल्यू रख दो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी ए की वैल्यू क्या है वन तो यहाँ से हो गया एक्स प्लस वन बाई टू बटे में बी की वैल्यू रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक डी एक्स हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू रख दो सी की वैल्यू क्या है वन बाई टू तो सी की वैल्यू हो गई वन बाई टू नीचे क्या है एक्स माइनस वन ये भी हो गया डीएक्स इस प्रकार से हमने तोड़ लिया अब इसमें इसका समाकलन करना है अलग अलग कर लो पहले तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बटे प्लस वन dx प्लस का इंटीग्रेशन वन बाई टू इसके नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन dx और प्लस का ये भी हो जाएगा वन बाई टू एक्स माइनस वन डीएक्स इसको कैसे करेंगे इसको तो सिंपली कर सकते हो आप इसको टी मान लो अलग-अलग समाकलन करने इसको t मान लो। जैसे ही आप क्या करोगे x स्क्वायर लिख देते हैं, माना x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2x dx equal to dt, तो यहाँ से x dx बराबर क्या आ जाएगा dt by 2। रख दो यहाँ पर x dx की हो जाएगा हो गया dt by 2, और 1 अप ये 1 upon x स्क्वायर plus 1 हो गया, ये 1 upon t, ये हो गया dt by 2। ये आपको पता है 1 upon 2 ये हो गया बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इसमें भी वन ये हो गया 1 upon x minus 1 dx. 1 upon t का हो गया log t, वही simple, 1 upon 2 तो हो गया वन अपॉइंट टू पूरे से बाहर आ जाएगा ये 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 भी 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 तो 1 upon 2 पूरे से तो बाहर हो गया ये हो गया लॉग टी लॉग टी टी की जगह वैल्यू रख दो सीधे वैल्यू रख रहे हैं सीधे एक्स स्क्स का वन ठीक है प्लस का वन बाई टू पूरे से बाहर ले ये टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखा है 10 इनवर्स एक्स लिखा है ये प्लस का ये लिखा है लॉग एक्स माइनस वन ब्रैकेट बंद प्लस का सी आंसर हो गया आसान है यार ठीक ये हमारे पास आंसर आ गया क्या करना था वही काम इसको तोड़ो एक्स प्लस बी प्लस सी वाले रूप में प्लस का सी ए बी सी के मान निकालो ए का मान निकालना है यहाँ से रख दिया वैल्यू यहाँ से रख दिया जो भी देखा एक्स बराबर वन ही मिला दो वैल्यू अपने मन से ली ए बी सी तीनों मान मिल गए वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी कहाँ पे पुट करनी है यहाँ पे ये यह पुट कर दी एक की जगह बी की जगह सी की जगह एक की जगह बी की जगह सी की जगह वैल्यू पुट कर दी आप फिर इससे भी वन बाई टू बाहर आ जाएगा पूरे से वन बाई टू बाहर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखा है लॉग एक्स माइनस वन आसान था क्वेश्चन बढ़िया था क्वेश्चन आ गया समझ में तो ये बेसिकली हमारे पास आंशिक आधारित आधारित क्वेश्चन थे जो जो हमने हमने पर थे, जैसे ये था, ये था, था और simple वाले जो दो format हमने पीछे ठीक है अब अब इसी में क्या करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे e की पावर x वाला जो हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था क्या किया था पीछे क्वेश्चन में ऊपर e नीचे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं देखो ये बीच में दिया है e की पावर x माइनस वन डी आपको क्या करना है कुछ नहीं e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा कर दो आप क्या करोगे यहां पर e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा करो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स डी अब नीचे वाले को आप मान लो माना 1 माइनस की पावर माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा E माइनस तो e तो आप, आप यहां पे वैल्यू रख दो सीधे ये ऊपर सीधे डी टी हो गया नीचे सीधे टी हो गया ये हो गया सीधे लॉक टी और प्लस का सी टी की जगह वैल्यू रख दो क्या माना था टी वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी इज द आंसर फर्जी क्वेश्चन था आसान था बस ये बताना चाह रहे थे कि e की तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट एकदम सिंपल हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है simple था क्वेश्चन हो गया कोई दिक्कत नहीं अब एक e की पावर x पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करते हैं देखो पहले समझो अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास खंडसा में भी बहुत पावर एक्स से क्वेश्चन बनते हैं तो पहले खंडसा समझ लेते हैं कि खंडसा होता क्या है फिर उसके बाद चलते हैं अब बाई पार्ट शुरू कर रहे हैं आंशिक वालों हमने देख लिया पार्ट किस प्रकार से आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है कैसे ए बी सी के मान निकलने और फिर आगे कैलकुलेशन कैसी समाकलन तो बहुत सिंपल होता है आगे आराम से कर लेते हैं खंडसा समाकलन में क्या करना है जब भी दो फलन जैसे जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे अवकलन दो फलन गुणा के रूप में होते थे तो फर्स्ट सेकेंड लगाते थे यूवी रूल लगाते थे यहां पर भी यू रूल होता है समाकलन में दो फलन अगर हमारे पास गुणा में लिखे तो किस तरीके से सॉल्व करना है उसको हम सॉल्व करते हैं आईलेट के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आईलेट याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि आप लिख लो आई लेट मैं देर से हूं या मैं देर से आया हूं आई लेट ठीक आई लेट में मतलब क्या है सीधी बात आई का मतलब इनवर्स वाले जो हमारे पास फलन होते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्सप्रेस ये टेन इनवर्स एक्स कॉस एक्स एक्स सारे तो, हमारे पास सकता है टू का मतलब क्या है टू एक्स की पावर जीरो टी में कोई फलन है कुछ भी हो सकता है कोई भी एलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है वो एल्जेब्रिक रहेगा टी का मतलब क्या होता है टेग्नोमेट्रिक मतलब केवल साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सारे त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ई की पावर एक्स ये हमारे पास आइलेट का बेसिक मतलब है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कौन सा फलन है अच्छा कैसे मानते हैं फर्स्ट और सेकंड इसी के अकॉर्डिंग मानते हैं फर्स्ट। क्योंकि जब हमें आइलेट जब हमें कोई फलन दिया जाएगा इंटीग्रेशन करना एक फलन ये फर्स्ट लिखा है एक सेकंड लिखा है dx ठीक फर्स्ट और सेकंड दो फलन गुणा में लिखे तो किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है वो हम आईलेट के माध्यम से मानते हैं जो पहले है उसको फर्स्ट जो बाद में सेकंड जैसे इनवर्स और लॉगरिथमिक लिखा हुआ है तो इनवर्स वाले को फर्स्ट लॉगरिथमिक वाले को सेकंड एलजेब्रिक और इनवर्स लिखा हुआ है तो एल्जेब्रिक वाले को क्या मानेंगे सेकंड और इनवर्स वाले को क्या मानेंगे फर्स्ट क्योंकि ये पहले आ रहा है जो पहले आ रहा है उसको पहला बाकी को सेकेंड फार्मूला है डायरेक्टली क्या फार्मूला होता है कि हमने फर्स्ट को छोड़ा ठीक सेकेंड का इंटीग्रेशन किया फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन किया dx माइनस फिर हमने क्या किया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया और सेकेंड का फिर से वही इंटीग्रेशन हुआ और इसके बाद इस पूरे काम ने क्या कर दिया इंटीग्रेशन dx, ये होता है इसका फार्मूला ये हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट और सेकेंड का खंडसा में फार्मूला क्या फार्मूला है कि हमने फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन किया बीच में माइनस का चिन्ह फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया फिर सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन किया और इस वाले पार्ट का पूरा फिर से इंटीग्रेशन करके डी लगा दिया ठीक ये हमारे पास फार्मूला होता है खंड सा समाकलन का अगर कोई दो फलन हमारे पास गुणा में लिखे हुए ठीक है अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? उनकी बात करते हैं सीधे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम ऐसा नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई दो फलन लिखे एक सर ये एक्स है और फिर ये टेन एक्स है और डी एक्स है कि सर अब इसमें क्या करना है तो पता है कि ये एलजेब्रिक फंक्शन है ये त्रिकोण फंक्शन है एलजेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे त्रिकोण को सेकेंड इसको आप फर्स्ट मानोगे इसको आप सेकेंड मानोगे फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला है सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन है आपको पता है एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है या टेन एक्स का हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग हम के जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है अब इस क्वेश्चन की बात करें <laughs> यहाँ पर भी टेन एक्स का करने में दिक्कत होती है साइन एक्स लिख लो भाई किसी को लग रहा हो कि सर टेन एक्स का फिर कैसे करेंगे तो साइन एक्स लिख लो सिंपल वाले का मतलब ये है कि साइन एक्स का हमें डायरेक्टली पता है तो साइन का कर दिया ठीक है जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास x cos इनवर्स x अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स अब यहां पे डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा कि खंडसा लग जाएगा कि दो फलन गुणा में यहाँ पर भाग में भी लिखा है लेकिन एक चीज दिख रही है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर तो पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो प्रतिस्थापन का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम क्या करते हैं लिखते हैं माना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी इन्वर्स एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन यक्स है अब यक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां से यक्स बराबर हम लिख सकते हैं सर कॉस्टी ठीक है ना यक्स की वैल्यू यहां से निकाले उधर भेज दो कॉस्टी तो ये तो हो गया कॉस्टी सर कॉस्ट इनवर्स एक्स को हमने टी माना ये हो गया टी डीएक्स और अंडर रूट के अंदर जितना लिखा है वो हमारे पास किसके बराबर होगा माइनस डी के बराबर क्योंकि ये माइनस भी लगा है तो वन अपॉन ये डीएक्स माइनस इस साइड जाएगा तो माइनस डी के बराबर तो ये होगा माइनस डी के बराबर माइनस तो बाहर ले लो ठीक ये हमारे पास हो गया टी cos टी और डी टी अब हमारे पास फलन कैसा हो गया दो फलन गुणा के रूप में हो गया पहला एलजेब्रिक है फिर त्रिकोण मित्र तो को हम फर्स्ट मानते हैं और त्रिकोण क्योंकि पहले आता है बाद में तो इसको लेंगे, इसको फर्स्ट मान मान लेंगे लेंगे फार्मूला लगा देंगे लगा दो फार्मूला कैसे लगेगा माइनस तो बाहर है बाहर रहने दो फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का समाकलन टी का समाकलन डी टी माइनस पूरे का समाकलन लगता है का हमारे पास डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो का तो वन हो जाएगा चलो लिख देते हैं एक बार डी बाई डी टी 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 के साथ चल रहा है सब टी टी है टी के साथ पे इंटीग्रेशन हमारे पास कॉस्ट टी डी और ये ब्रैकेट हमारे पास बंद हुआ और फिर से यहां पे लग गया डी टी एक पूरा ब्रैकेट ये बंद हुआ माइनस वाला ठीक ये हमने पूरा फॉर्मेट आप फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ये फार्मूला नहीं लिखना है बार बार आप याद रखना है डायरेक्टली यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहां से हो गया माइनस का टी तो छोड़ दिया कॉस्ट टी का समाकलन हो गया साइन टी माइनस इंटीग्रेशन लगा रहे तो का का हो हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा टी, ठीक रहेगा यहां से आ गया माइनस ये तो हो गया टी साइन टी और साइन टी का हमारे पास समाकलन हो गया प्लस का टी. क्योंकि माइनस होगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉश टी और प्लस का सी माइनस अंदर भेज दो टी की वैल्यू रख लेते हैं यहां से टी की वैल्यू एक तो ये कॉस इनवर्स एक्स है ठीक तो माइनस ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स साइन टी की वैल्यू कैसे निकलेगी साइन टी की या तो आप ये करो कि टी की जगह सीधे कॉस इनवर्स एक्स रख दो या एक काम ये कर सकते हैं देखो टी की वैल्यू यहां से निकल सकती है साइन टी की आपको पता है कॉस टी बराबर एक्स है तो आप लिख सकते हो साइन टी बराबर अंडर रूट के अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर टी रख सकते हैं ना

तो रख सकते हो कि टी की जगह आप सीधे कॉस इनवर्स एक्स रख दो यहां पर भी कॉस इनवर्स x एक्स रख दो फिर, कौस कौस हो जाएगा, फिर इसको बदलोगे तो यही चीज बनेगी तो डायरेक्टली रख दो आराम से आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर है तो यहां पर हमने देखो खंडसा यूज किया लेकिन हमने पहले थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ा फिर खंडसा बना तो डायरेक्ट हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो अच्छे क्वेश्चन है फर्जी क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है कि अब दो फलन आपको दिख रहे हैं सामने आप फर्स्ट सेकंड फार्मूला लगाओगे कर लोगे ये चीज तो हम बीच में सिखाते रहेंगे लेकिन किस तरीके से भिन्न टाइप के क्वेश्चन करने हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहे होंगे उनका हमें यहाँ पे उपयोग सीखना है क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन चले आगे तो ये हो गया हमारे पास खंडसा समाकलन की स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन इस प्रकार का हमने कर लिया आगे और भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉग एक्स कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं जैसे लॉग एक्स लिखा एक क्वेश्चन और ऐसा हो सकता है और भी हो सकते हैं मतलब कि जैसे इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स ये भी एग्जाम्पल दिया गया है टेन इनवर्स एक्स हो सकता है साइन इनवर्स एक्स हो सकता है कॉस इनवर्स एक्स होता है सिंपल एक फलन इंटीग्रेशन में लिखा हो तो डायरेक्ट इनका फार्मूला नहीं है इनको हम कैसे करते हैं खंडसा से सॉल्व करते हैं क्या कर सकते हैं यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है लॉग एक्स यहां पर यहां पर लिखा हुआ है लॉग एक्स तो log x के साथ में हम गुणे में वन तो ले ही सकते हैं ये तो बात आपको पता ही है क्योंकि वन तो सभी के गुणे में होता है तो वन तो हम गुणे में ले ही सकते हैं अब आपको पता है वन कैसा है एलजेब्रिक है क्योंकि कॉन्स्टेंट फलन है कुछ भी हो सकता है टू फोर फाइव कॉन्स्टेंट फलन है तो ये कॉन्स्टेंट फलन है सर यहाँ पे तो ये फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स हमारे पास लॉग एक्स हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि आईलेट के हिसाब से लॉग पहले आता है एलजेब्रिक बाद में आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा हम आराम से डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे कैसे लॉग एक्स को छोड़ा ठीक, फर्स्ट का इंटीग्रेशन किया सेकेंड का माइनस इंटीग्रेशन फिर लॉग एक्स का हम क्या करेंगे तो x, और हमारे पास का हमने फिर से इंटीग्रेशन किया ठीक और हमारे पास पूरे का हमने यहां पर क्या कर दिया इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा के डीएक्स लिख दिया ठीक ये हो गया लॉग एक्स वन का हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन में हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इन टू वन का हो जाएगा फिर से एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स एक्स से एक्स का काम खत्म हो गया तो ये आ गया एक्स लॉग एक्स माइनस यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन वन डी एक्स बचेगा फिर से उसका क्या हो जाएगा एक्स और प्लस का हो जाएगा सी यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस का वन प्लस का सी इज द आंसर आसान होते हैं क्वेश्चन बस हमें ये थोड़ा सा एक चीज बताने की थी कि इसके गुणे में हम वन तो ले ही सकते हैं कि केवल सिंपल एक फलन लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे उसके गुणे में वन लेकर फर्स्ट सेकंड ले लोगे कि यहां पर हमें पता है लॉग है तो इसको सर फर्स्ट लेंगे और इसको सेकेंड लेंगे एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है फर्स्ट सेकेंड इरेजर से लिखते हो मतलब पेंसिल से लिख सकते हो ताकि आप बाद में मेट सको आपको अगर दिक्कत लगे तो फर्स्ट सेकेंड और आप फिर फार्मूला लगा दो क्वेश्चन आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा सेम ऐसे यहां पर करोगे कि यहां पर क्या करोगे आप वन ऐसे लिख लोगे फिर टेन इनवर्स एक्स अब आपको पता है कि जब भी आगे से कोई दो आ जाए मतलब इनवर्स का या लॉग का देखो आईलेट आगे के दो आ जाए कोई भी फलन साथ में एक में और उसके साथ आप वन गुणे में लगाओ और सीधे ऐसे ही स्टार्ट कर दो आप इसको पता है कि आपको इसको फर्स्ट लेना है इसको सेकेंड लेना है आप आगे ऐसे ही सॉल्व कर लोगे ये ट्राई करना है इस डब्लू में सारे लोग सेम वैसे इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि वन अपॉन वन प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट का जरूरत पड़ेगा वो हम कर लेंगे यहां पर बाकी वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बात क्लियर इंपॉर्टेंट होता है ये लॉग वाला क्वेश्चन जो होता है लॉग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं चले आएंगे ये हो गया अठारवा नंबर क्वेश्चन अब इसी में e की पावर x के फॉर्मेट पे कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है क्या है इस फिक्स पैटर्न समझते हैं एक बार जब भी कोई हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसे लिखा है मान लो लिखा है e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स और प्लस इसके साथ में लिखा हुआ है एफ डैश एक्स डी एक्स किस फॉर्मेट का है कि ई e की पावर एक्स तो गुणा में है एक फलन लिखा है और उसका डिफ्रेंसिएशन उसके साथ में दिया है तो इसका डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या होता है ई e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस कस? ये डायरेक्टली इसका आंसर होता है कि आप क्या करते हो अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसे रूप में दिया गया ऐसे फिक्स फॉर्मेट में दिया गया है कि e की पावर एक्स फिर एफ एक्स एक फलन है उसका डिफ्रेंसिएशन साथ में दिया हुआ है dx तो डायरेक्टली आंसर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस का c जैसे कि इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली सामने नजर आ रहा है कि ये e की पावर x लिखा है फिर टेन इनवर्स x को अगर हम एफ एक्स ले लें यहाँ पर अगर हम एफ एक्स देखें तो एफ एक्स हमारे पास क्या है टेन इनवर्स एक्स

टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स ब्रैकेट में डीएक्स आप क्या लिखोगे डायरेक्टली e तो e तो दो लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा देखने में क्वेश्चन बड़ा लेंदी सा हो सकता है बड़ा सा हो सकता है लेकिन आंसर आपका एक के बाद दूसरी लाइन में आंसर आपका आ जाएगा बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़ करते हैं नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए कुछ बच्चे अंदर गुणा करके फिर फर्स्ट सेकेंड लगाते हैं कुछ खंडसा करने लगते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना तो जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बनेगा बहुत दिमाग खोल के बैठना कि क्या क्वेश्चन दिया गया है और क्या हम समझ रहे हैं चीजों का फॉर्मेट तुमने पकड़ा नहीं कि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं आएगा एग्जाम पूरे पीछे के क्वेश्चन उठा के देख लो सब आसान क्वेश्चन होते हैं। बस हम वो ट्रिक पढ़ पाए वो कॉन्सेप्ट हम पकड़ पाए क्वेश्चन जो लिखा था वही हम समझ पाए और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा तुरंत क्योंकि क्लास में ऐसा होता है बच्चों के साथ कि क्लास में उन्हें लगता है हमें सब आता है सब समझ में आ रहा है सर बता रहे हैं हमें सब तुरंत क्वेश्चन हो जाता है सर हम कर लेते हैं तुरंत आसानी से हो जाता है लेकिन फिर जब एग्ज़ाम टाइम में तो सर हमने क्वेश्चन जब देखा वो थोड़ा सा नया लगा इस टाइप का फॉर्मेट नहीं समझ में आया और हमें समझ ही नहीं आया कि कैसे इसको स्टार्ट ही करें तो ये हो जाता है बच्चों के साथ उसके लिए हड़बड़ाना नहीं बिल्कुल नर्वसनेस नहीं रखनी आराम से आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और प्रॉपर क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा रिकॉल करिए थोड़ा शांत रखिए मन को और फिर आप समझेंगे तो आपको एकदम दिमाग में पकड़ में आ जाएगा कि ये तो ये तो फॉर्मेट है खट से आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे ठीक है चले आगे अब इसी में ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा था अब जैसे ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं समझ में आ रहा जैसे मान लो हम इसको देखें कि इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन किसके की पावर एक्स तो है गुणा में लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें कौन किसका डिफरेंसिएशन है कौन किसका फलन है अलग अलग कर दें तो भी क्या होगा नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे आप यहां पर एक काम करो केवल पे आप ऊपर क्या करो में यहां से हमने क्या किया हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना से से आप एक काम करो आसान से। आपने ऊपर क्या किया एक्स में प्लस वन किया और माइनस वन किया ठीक एक्स के साथ आपने प्लस वन माइनस वन किया इक्स e है e की पावर एक्स बना रहने दो और वन प्लस x का होल स्क्वायर dx इससे होगा क्या अब अलग-अलग कर लो आपने किया 1 x एक साथ ये 1 x एक साथ 1 x का होल स्क्वायर माइनस का ये 1 है तो 1 अपॉन 1 इसको एक ही ब्रैकेट में रहने दो क्या दो-दो ब्रैकेट लगा इसको लिखा हमने अलग-अलग करने के लिए 1 अपॉन 1 x का होल स्क्वायर की पावर एक्स तो वो क्या किया आसान हो गया बहुत क्वेश्चन देखना यहां हमें डायरेक्टली कुछ नहीं समझ में आ रहा था हमने प्लस वन माइनस वन ऊपर किया तो एक्स प्लस वन के साथ ये वन प्लस एक्स वाला ये एक साथ कर लिया और माइनस के साथ ये वन और ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक साथ कर लिया इसके साथ अलग इसके साथ अलग ई की पावर एक्स गुणा में पूरे में था तो ई की पावर एक्स रख लिया अब अगर देखो तो ये इससे कट जाएगा कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स को हम आगे लिख ले रहे हैं ई की पावर एक्स ये हमारे पास हो गया वन प्लस एक्स और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल हो एक में अब इस फलन को अगर आप एफ एक्स लेते हो अब इस फलन को आप जैसे ही आप एफ एक्स मानते हो ये देखो इसका एक्स लिखा है करके देख लो इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे यही मिलेगा आप यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो हर का स्क्वायर करोगे हर को छोड़ा इसका करके कर गए कैसे भी चाहो वैसे कर लो इसको ऊपर ले जाके कर लो आपको एफ एक्स का जो अवकलन है वो यहाँ एफ डेस एक्स मिलेगा फॉर्मेट हमारे पास सेट हो गया पीछे वाला जो हमने पीछे क्वेश्चन में यहाँ पे किया कहाँ गया ये वाला ये फॉर्मेट सेट हो गया खट से हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास हो, हमारे पास हो, हमारे पास हो गया सीधा ई की पावर एक्स एफ एक्स एफ एक्स क्या है ये तो ई की पावर एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स है हमारे पास एफ एक्स और प्लस का हो गया

कि वन प्लस साइन एक्स है वन अपॉन कॉस एक्स है या इसको टी माने तो ये मिल जाएगा या इसको ये माने तो मिल जाएगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला इसमें भी क्या करोगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है यहाँ पर नहीं दिख रहा कुछ ऐसे हमने क्या किया ये ई e की पावर एक्स है मान मालूम अलग अलग कर लें एक हो गया वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं प्लस एक हो जाएगा साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स मालूम अलग अलग कर लिए कि ये हमने अलग अलग कर लिया अपॉन इसके साथ ये अलग कर लिया इसके साथ ही हमने अलग कर लिया क्या इसका डिफरेंशिएशन इसको मान ये डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा नहीं मिलेगा यार आप इसका डिफरेंशिएशन तो करोगे ये नहीं मिलेगा या इसका करोगे तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि हर का वहां जब अंश बटे हर में होता है तो कुछ हर का स्क्वायर होता है हो, कुछ करोगे तो नहीं बन रहा है यहां डायरेक्टली देखो नहीं बन रहा है हमने अलग अलग कर भी लिया तो भी नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्या सिंप्लीफाई करना ये देखो की पावर cos कॉस एक्स, वन वन प्लस एक्स हाफ एंगल फार्मूला लगाओ तो यह साइन एक्स, एक्स को, खोल को खोलोगे तो टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा हाफ एंगल फार्मूले खोल सारे यहां भी नीचे भी क्या हो जाएगा टू कॉस ये हो गया डीएक्स देखो एक से कॉस से एक कॉस उड़ गया यहाँ आ गया ई एक की पावर एक्स इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई तो ये हो गया से टू भी उड़ गया, गया। साइन बटे मतलब बचा, टेन एक्स एक्स। अब देखो कितना आसान हो गया कितना प्यारा हो गया क्वेश्चन अब जैसे ही आप टेन एक्स बाय टू का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे आपको क्योंकि क्या होता है टेन एक्स का होता है सेक स्क्स और x 2 का दोबारा करोगे तो 1 2 ये यही हमारे पास लिखा हुआ है यही तो लिखा हुआ है तो इसको अगर आप fx लेते हो तो ये f'x बन गया तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की जरूरत थी कि सर अगर हम यहां पे देखें ये हमारे पास अगर इसको हम fx अब ले लें तो ये हमारे पास f'x है दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं इनवर्स नहीं एफ एफ एक्स है f' f'x है इसको जैसे ही आप एफ एक्स लेते हो ये डेस एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा अब आप इसको में फिर से वही काम करोगे वही वाला फॉर्मेट आपको पता है चाहे ये आगे ओ पीछे प्लस में लगा ही है आपको पता है इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन अगर करते हैं इंटीग्रेशन कहां गया इंटीग्रेशन लगा लो सब में ठीक हमने इंटीग्रेशन लगा लिया कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन लगा लो यहाँ से करोगे तो ई की पावर एक्स आ गया और एफ एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू और प्लस का सी आंसर हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया बस ये याद रखना है कि किस तरीके से हमें इंटीग्रेशन पर यूज करना है कैसे हमें इसे तोड़ना है हम अलग अलग कर रहे हैं फिर भी हमें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हो सकता है सिंप्लीफाई करा रहा हो एक देखो एकदम बेसिक से चले थे हम लोग ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा था इस वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ अलग अलग किया बस प्लस वन माइनस वन करके अलग अलग किया दिख गया कि है इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग करने पर भी नहीं दिखा तो हमने कुछ ऐसा बनाया कुछ ऐसा सॉल्व किया एक ऐसा क्वेश्चन भी है देखो इस क्वेश्चन में अगर देखो तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है आप सिर्फ एक्स माइनस थ्री को इस एक्स माइनस वन की तरह बनाने की सोचें कैसे देखो जैसे हम क्या करेंगे हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है आप बस माइनस थ्री को तोड़ो काम हो जाएगा जैसे ही आप क्या करते हो पहले मान लो ऐसे ही करते हैं इसको सीधा पहले तोड़ लेते हैं X -3 है, तो इसको इसके, नीचे एक साथ ये ले इसके साथ ये ले लो अब लगा दो इंटीग्रेशन अब हम क्या कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीएक्स आपने इंटीग्रेशन किया एक्स माइनस वन के साथ एक अलग ले लिया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स ठीक ये ब्रैकेट हमने लगा लिया माइनस है माइनस ऐसे लिख दो फिर हमारे पास टू है तो टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर स्क्सो माइनस माइनस हो गया यहां से ये डीएक्स हटा लेते हैं जैसे ही आप माइनस लगाओगे ये हमारे पास आ जाएगा टू ई e की पावर इंटीग्रेशन हटा देते हैं यहाँ से अभी अपॉन e क्या किया, को minus one, minus किया तो एक्स माइनस वन के साथ स्क्वायर आ गया माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्स डी एक से फिर यहाँ से ये यह उड़ गया ये आ गया इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर e की पावर यहां से बात समझो अब क्या करना है यहां से हमें हमने x माइनस वन और माइनस टू अलग किया x माइनस वन से एक x माइनस वन उड़ा लिया x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया अब माइनस में टू अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है अब इसका तुम अगर करते हो एक्स माइनस वन का जैसे ही आप करोगे, ले जाओगे यहां पर माइनस टू तो इसको जैसे ही नीचे लाओगे तो हमें मिल जाएगा मतलब इस टू को अगर कॉन्स्टेंट है टू तो बाहर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा एफ डैस एक्स मिल जाएगा सीधे हमें एफ डैश एक्स मिल जाएगा जैसे ही हम ये टू कॉन्स्टेंट को बाहर करते हैं ठीक इसको अगर हम एफ एक्स ले लें तो ये हमें क्या मिल जाएगा एफ डैश एक्स यहां पर हमें दिख रहा है कि यहां पर ये यह हमारे पास क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा बस फिर से वही काम हमने इसको क्या माना इसको हमने माना एफ एक्स इसका हम ये देखें तो ये हमें एफ डैश एक्स दिख रहा है आराम से तो आप बस फिर से वही फार्मूला लगाओगे क्या फार्मूला हो जाएगा यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा ई e की पावर एक्स एफ एक्स एफ एक्स हमारे पास क्या है वन अपॉन

अब जैसे ही आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे आपको एफडेस एक्स मिल जाएगा तो आप उसका इंटीग्रेशन करते हो डिफ्रेंसिएशन करते हो वो आपको पूरा एफ डेस एक्स मिलता है ई e की पावर एक्स आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा तो ये बेसिकली ई e की पावर एक्स के फॉर्मेट के क्वेश्चन है जो मतलब कि हमारे पास खंडसा पर क्वेश्चन बनते एक ऐसे ही क्वेश्चन अगर हम इसकी बात करें ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ये अंतिम क्वेश्चन है यहीं से हम लोग अपनी क्लास समाप्त करेंगे ये भी एक फिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन है कैसा फॉर्मेट कि जैसे कि क्वेश्चन अगर आपके पास आता है e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी या हो सकता है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे करना हमें यहां पर भी खंड सही है दिख रहा है कि एक फलन ये एक फलन ये दोनों फलन गुणा में लगाना तो खंड सही है लेकिन कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट है कैसे क्वेश्चन करना है अगर इस प्रकार के साइन के साथ और कॉज के साथ ई की पावर एक्स आता है यहां ए एक्स लगाने का मतलब यहां टू एक्स भी हो सकता है यहां फोर एक्स हो सकता है यहां पे भी टू एक्स यहां पे फोर एक्स हो सकता है मतलब कुछ कॉन्स्टेंट भी साथ में ऐड हो सकता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो करना वैसे ही है आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे e की पावर x साइन x dx इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं अब यहां पर हम क्या करते हैं हमें पता है आईलेट के हिसाब से कि इसको हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा आईलेट कहां पे लगाया पीछे आईलेट हमने बताया आपको कि हमें पता है कि त्रिकोण मिति वाले को हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड तो त्रिकोण मिति वाले को हम फर्स्ट मान लेंगे एक्सपोनेंशियल वाले को हम सेकंड मान लेंगे तो त्रिकोण मिति वाला हमारे पास हो गया फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड स्टार्ट करते हैं फार्मूला लगाते हैं आपको पता है फार्मूला फर्स्ट को हमने छोड़ा साइनेक्स को छोड़ा e की पावर x का हमने समाकलन किया माइनस समाकलन लगा के फिर हमने फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया साइन x का हो जाएगा कॉस x सेकंड का फिर से हमने इंटीग्रेशन किया और ये आ गया dx स्टार्ट करते हैं ये हो गया साइन x e की पावर x का फिर से e की पावर x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आ गया कॉस एक्स कॉस एक्स रहेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है e की पावर x का फिर से e की पावर x हो गया dx हो गया यहां अंदर फिर से हमें फर्स्ट सेकेंड दो फलन मिल गए cos x और e की पावर x फिर से हम इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकेंड सॉल्व करते हैं ये हो गया साइन x e की पावर x माइनस ब्रैकेट लगा लो इसको सॉल्व करते हैं cos x को छोड़ा e की पावर x का इंटीग्रेशन किया माइनस इंटीग्रेशन cos x का हम करेंगे क्या डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स होगा बार वाले को प्लस कर लेते हैं तो साइन एक्स हो गया फिर हमारे पास हो गया ये डी एक्स डी एक्स क्या पहले हम इंटीग्रेशन तो कर दें इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का हम कहाँ यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स और ब्रैकेट बंद और फिर बाहर पूरा डी एक्स सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ गया साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस यहाँ से हो गया कॉस एक्स ई की पावर एक्स ये फिर से बन गया ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e की पावर x का फिर से e की पावर x हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा और x का हमारे पास साइन x तो वो तो डिफ्रेंसिएशन हो ही चुका है तो साइन x हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये यह थी ये चीज़ जो बन रही है ई e की पावर एक, एक्स साइन एक्स डी एक्स ये हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तो वही थी चीज़ तो इसको हम क्या करते हैं समीकरण एक दे देते हैं। जब भी e की पावर X के साथ, या करते हैं ताकि बीच में हम जब करेंगे अब मान लो इसको फिर से हम इंटीग्रेशन करने लगे फिर फर्स्ट सेकेंड बनेगा तो फिर से ये बन जाएगा की एक पावर एक्स फिर इसको करोगे फिर ये कभी नहीं खत्म होगा अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉश एक्स और आपका इंटीग्रेशन कभी नहीं खत्म होगा

माइनस ई e की पावर एक्स कॉस एक्स ठीक ये हो गया माइनस इसकी जगह हमने पूरा उठा के क्या रख दिया आई तो ये हो गया आई आई को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा टू आई बराबर ई e की पावर एक्स एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स यहाँ से आई बराबर आ जाएगा टू नीचे ले आओ ई e की पावर एक्स कॉमन हो गया टू नीचे ले आए ये हो गया साइन एक्स सी साथ में भाई लगाते रहो क्योंकि इंटीग्रेशन अपना खत्म हो चुका है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी ये आपका आंसर हो जाएगा तो ये चीज हमें याद रखनी है जब भी क्वेश्चन में क्या होगा अगर e की पावर x के साथ साइन x या cos x आ रहा है तो आप इंटीग्रेशन ऐसे ही करोगे इस प्रकार के फॉर्मेट में इसको i लेकर चलोगे इसको समीकरण एक डाल दोगे और यहां पर बीच में जब बनेगा तो यहां पर आप लिख दोगे यहां पर लिख दोगे i कैसे आया है अब यहां पर लिख दो यहाँ पे साइड में कहीं समीकरण एक से यहाँ पे साइड में डाल देना समीकरण एक से तो समीकरण एक से आपने आई रख दिया आई को एक साइड ले जाओगे टू आई हो जाएगा आई बराबर निकालोगे टू से बारह नीचे आ जाएगा और आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा तो इस प्रकार से हमें जो बेसिकली इस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन होते हैं उनका करना होता है तो आज यहीं तक रखते हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अभी एक एक्सरसाइज एक एक वैसे रह गई है अनिश्चित में सेवन पॉइंट सेवन की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं सेवन पॉइंट सेवन मतलब जो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं वाला हम जो कर रहे थे वो इंटीग्रेशन जो सेवन पॉइंट फोर में सीखे थे वो बेसिकली है सेवन पॉइंट फोर की तरह ही उसके कुछ नए फार्मूले हैं वो नए फार्मूले सीख लें दो तीन क्वेश्चन उस पर करने वो आपको आता है समझ लो पूर्ण वर्ग विधि वहां पे भी उपयोग होएगी वो हम सीख चुके हैं पहले उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फार्मूला है आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कर लेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि अभी अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा है तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं आशा करते हैं सभी को अच्छी लगी होगी आज की क्लास मैंने जो क्वेश्चन लिए थे वो वो क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन लेने में बहुत टाइम लग जाता है हमें ये भी करना है कि वो क्वेश्चंस लेने हैं जिससे आपके पूरे रिवीजन हो जाए ठीक है तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में कि कौन कौन सा क्वेश्चन लेना है जिससे आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और सारी चीज़ें कवर हो जाएँ क्योंकि क्वेश्चन तो हज़ारों हैं सारे क्वेश्चन कराना तो इम्पॉसिबल है अब आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ये रिवीजन के तौर पर है कि आप पूरा अगर इसको लेक्चर को देखते हो तो आपका अनिश्चित सम कलन जो है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा फिर हम अगले पार्ट टू में इसका निश्चित समाकलन का पार्ट रखेंगे और सेवन पॉइंट सेवन का क्वेश्चन भी कुछ कर लेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए या सिक्स के जो भी एक्सरसाइज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे तो कैसा लगा सभी को वन शॉट जरूर मुझे पूरा कमेंट करके बताना कि किसने पूरा एक साथ कवर किया है ये भी मुझे कमेंट करके बताना क्योंकि क्यों लास्ट में जो कमेंट करता है वही पता चलता है कि वो आखिरी तक टिका था बाकी कुछ तो आए कुछ चले गए वो तो हमें पता ही चलता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करना इस वन शॉट को प्रॉपर कंप्लीट कर लेना अच्छे से अगला हमें इसके पार्ट टू आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीक तक ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत प्यारा लेक्चर है अच्छे से सारे लोग कमेंट करना और सभी लोग क्लास को लाइक like कर लेना मिलेंगे अगले वन शॉट के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय